Assalamu alaikum students, welcome to all of you in our next topic, that is gene mutation. Isse pehle jo humne padha tha, that was chromosomal mutation, jo pehla type tha. Agar aap logon ko yaad hoga, jab humne start kiya tha mutation in our previous lectures, wahan maine kaha tha ki jo mutation hai wo do tarah ka hai, ek hai chromosomal mutation and dusra hai gene mutation. Jo chromosomal mutation hai, उसमें हमने दो टाइप्स पढ़े. एक है क्रोमोसोमल एब्रेशंस, यानी कि स्ट्रक्चरल क्रोमोसोमल म्यूटेशन, यानी कि वो म्यूटेशन जो होती है क्रोमोसोम को, क्रोमोसोम के साइज को, क्रोमोसोम के शेप को, या होल क्रोमोसोम के मॉर्फोलॉजी को, जिसमें हमने पढ़ा था डिलीशन और डिफिशंसी, डुप्लीकेशन, इन्वर्जन एंड देन ट्रांसलोकेशन. और उसके बाद हमने क्रोमोसोमल म्यूटेशन का दूसरा पार्ट लिया था, दैट वाज न्यूमेरिकल क्रोमोसोमल म्यूटेशन और जीनोमैटिक म्यूटेशन, जिसमें हमने स्टडी किया था कि हाउ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम गेट्स चेंज्ड, रादर कि जब एक क्रोमोसोम का नंबर चेंज होगा उससे कौन सी म्यूटेशन होती है. तो जो जीनोमैटिक म्यूटेशन था उसमें हमने दो टाइप्स पढ़े, एक है एन्यूप्लाइडी एंड दूसरा था यूप्लाइडी. एन्यूप्लाइडी में हमने पढ़े थे ट्राइसोमी, टेट्रासोमी, डबल ट्राइसोमी, डबल टेट्रासोमी, मोनोसोमी, डबल मोनोसोमी, नल्लिसोमी एंड डबल नल्लिसोमी. उसके बाद हमने पढ़ा था यूप्लाइडी में पॉलीप्लाइडी, और पॉलीप्लाइडी में हमने दो चीजें पढ़ी थी, ऑटो पॉलीप्लाइडी एंड एलो पॉलीप्लाइडी. और हमने उसमें देखा था कि किस तरीके से पॉलीप्लाइडी होती है और ये किस तरीके से बेनिफिशियल है प्लांट्स के लिए. जहां हमने एलो पॉलीप्लाइडी में दो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट्स पढ़े. आज जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है जीन म्यूटेशन. तो आज हम देखेंगे कि किस तरह म्यूटेशन होती है जीन में, और जब जीन में म्यूटेशन होती है तो इससे क्या इफेक्ट पड़ सकता है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड अंडरस्टैंड व्हाट एक्चुअली जीन इज. हम नॉर्मली कहते हैं इन सिंपलर टर्म्स कि जीन इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए. तो जब हम एक सेगमेंट लेते हैं डीएनए का, उसे और जिसमें कंप्लीट एक्सप्रेशन होगी, जिसमें कंप्लीट कन्वर्ट होगा प्रोटीन्स में, हम उसे नाम देते हैं जीन. तो जीन जो है एक सेगमेंट है डीएनए का जिसकी कंप्लीट एक्सप्रेशन है. तो जो ये जीन होता है, अगर हम कहते हैं कि यह सेगमेंट ऑफ डीएनए है, तो डेफिनेटली यह बना होगा न्यूक्लियोटाइड्स का. 11th क्लास में बायोमॉलिक्यूल्स में हमने पढ़ा है कि जो डीएनए होता है ये एक्चुअली पॉलीन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है, डबल स्ट्रैंडेड होता है. तो यहां मैंने एक डायग्राम बनाई है सिंपलर, यहां मैंने एक सेगमेंट ऑफ डीएनए बना दिया जिसमें दो स्ट्रैंड्स है. आप ध्यान से देखिए, ये एक स्ट्रैंड है यहां पर और यह दूसरी स्ट्रैंड है. तो ये दो स्ट्रैंड्स विच आर एंटी पॉलर टू ईच अदर, ये सब हमने पढ़ा है 11th क्लास में. मैंने यहां पे सात न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर्स ली है. देखिए, स्टार्टिंग फ्रॉम मैंने पहले लिया है एडेनिन, उसके साथ में गुआनिन, उसके साथ में साइटोसिन, उसके साथ में थाइमीन, उसके साथ में एडेनिन, गुआनिन, देन अगेन एडेनिन. और हमें पता ही है कि जो एडेनिन और गुआनिन के बीच में बॉन्ड है यह है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड. पढ़ा है 11th क्लास मेरे बच्चों, मैंने आपको केमिकल यह दिखाया है. उसके बाद जो गुआनिन है यह साइटोसिन के साथ बॉन्ड कर रहा है बाय फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज. उसके बाद साइटोसिन थाइमीन के साथ बॉन्ड करता है बाय फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज. उसके बाद थाइमीन बॉन्ड करता है एडेनिन के साथ बाय फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज, एडेनिन को गुआनिन के साथ, और गुआनिन को इस एडेनिन के साथ बॉन्ड है जिसे हम नाम देते हैं फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज. मीन जो ये स्ट्रैंड है डीएनए की जो बना है न्यूक्लियोटाइड्स का, वहां पे जो सक्सेसिव न्यूक्लियोटाइड्स है वो एक दूसरे के साथ अटैच है बाय फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स. सो कि जो एक डीएनए है वो डबल स्ट्रैंडेड होता है, उसमें दो स्ट्रैंड्स होती है जैसे आपको दिखता है डायग्राम में. ये जो दो स्ट्रैंड्स है ये पैरेलल है, एंटी पैरेलल है, और इनमें जो न्यूक्लियोटाइड्स है वो एक दूसरे के साथ अटैच है फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज. अब जो दूसरी स्ट्रैंड है आप देख सकते हैं ये एडेनिन है. डीएनए की दो स्ट्रैंड्स कंप्लीमेंट्री होती है, पढ़ा है 11th क्लास में. एडेनिन हमेशा बॉन्ड करता है थाइमीन के साथ,
ग्वानिन हमेशा पेयर करता है साइटोसिन के साथ, साइटोसिन पेयर करता है ग्वानिन के साथ, थाइमिन पेयर करता है एडेनिन के साथ, एडेनिन पेयर करता है थाइमिन के साथ, ग्वानिन पेयर करता है साइटोसिन के साथ और एडेनिन पेयर करता है थाइमिन के साथ। मींस यहां पे जब एडेनिन बॉन्ड करता है थाइमिन के साथ, ये दो हाइड्रोजन बॉन्ड से जो मैंने पिंक कलर में दिखाए, उसके बाद ग्वानिन बॉन्ड करता है साइटोसिन के साथ, यहां पे तीन हाइड्रोजन बॉन्ड जो मैंने ग्रीन कलर में दिखाए, साइटोसिन बॉन्ड करता है ग्वानिन के साथ तीन हाइड्रोजन बॉन्ड्स, थाइमिन बॉन्ड करता है एडेनिन के साथ दो हाइड्रोजन बॉन्ड्स, एडेनिन बॉन्ड करता है थाइमिन के साथ दो हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ग्वानिन बॉन्ड करता है साइटोसिन के साथ तीन हाइड्रोजन बॉन्ड्स और एडेनिन बॉन्ड करता है थाइमिन के साथ दो हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो ये एक सेगमेंट है डीएनए का जिसमें सात न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर्स है। सपोज ये जो सेगमेंट ऑफ डीएनए है ये कंप्लीट जीन है जो एक प्रोडक्ट बनाता है। सपोज अगर ये जीन है ये ह्यूमंस में एक ग्रोथ हार्मोन बनाता है। अंडरस्टैंड कीजिए, मेरे पास एक डीएनए का सेगमेंट है, मेरे पास एक जीन है जो बना है सात न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर्स का। पेयर किसे बोलते हैं? ये नाइट्रोजनस बेस है थाइमिन के साथ, ये एक पेयर हो गई, ये दूसरी पेयर है, ये थर्ड पेयर है, ये फोर्थ पेयर है, ये फिफ्थ पेयर है, ये सिक्स्थ पेयर है और ये सेवंथ पेयर है। तो इस वाले सेगमेंट ऑफ डीएनए में सात न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर्स है और सपोज ये एक कंप्लीट जीन है, तो ये जो जीन है ये सपोज इंसान में ह्यूमंस में ग्रोथ हार्मोन बनाता है। अब जब ये जीन कंप्लीटली एक्सप्रेस करेगा, नॉर्मली अपना एक्सप्रेशन दिखाएगा, ये बनाएगा एक प्रोटीन जिसे हम नाम देते हैं ग्रोथ हार्मोन। तो जब हमारी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन बनेगा, इससे हमें ग्रोथ होगी और हमारी जो बॉडी का साइज है, हमारी जो बॉडी की लेंथ है वो इंक्रीज होगा, तो हमारी बॉडी में एक नॉर्मल ग्रोथ होगी। अब सपोज ध्यान से देखिए, अब मैंने एक और सेगमेंट दिखाया, यही वाला सेगमेंट आप देखिए, ये एडेनिन है बॉन्ड करता है थाइमिन के साथ, ग्वानिन को बॉन्ड कर रहा था साइटोसिन के साथ। ध्यान से देखिए, ओरिजिनल में ग्वानिन किसके साथ पेयर करता है? साइटोसिन के साथ। रिमेंबर मैंने फिर कहा कि एडेनिन हमेशा बॉन्ड करता है थाइमिन के साथ, ग्वानिन हमेशा बॉन्ड करता है साइटोसिन के साथ, पढ़ा है 11th क्लास में, मैंने ही पढ़ाया बायोमॉलिक्यूल्स में। तो यहां पर क्या हुआ है? एक एरर हुआ है, मिस्टेक हुई है, गलती हुई है। ग्वानिन को बॉन्ड करना था साइटोसिन के साथ, इसने गलती से किसके साथ बॉन्ड किया? एडेनिन के साथ। ग्वानिन बिलोंग्स टू प्यूरीन, एडेनिन बिलोंग्स टू प्यूरीन, सो यहां पे प्यूरीन वर्सेस प्यूरीन। अदरवाइज ग्वानिन को बॉन्ड करना था साइटोसिन के साथ, पायरिमिडीन के साथ, लेकिन यहां पर ग्वानिन ने बॉन्ड किया है एडेनिन के साथ, सो यह जो है प्यूरीन, प्यूरीन के साथ पेयर करता, सो दिस इज एरर। उसके बाद देखिए, साइटोसिन जो है वो ग्वानिन के साथ बॉन्ड करता है, थाइमिन जो है एडेनिन के साथ बॉन्ड करता है, ये दो तो ठीक है, लेकिन यहां पे एक और गलती, एडेनिन बॉन्ड करता है साइटोसिन के साथ, एडेनिन को बॉन्ड करना है थाइमिन के साथ जैसे यहां पे है, लेकिन इसने गलती की वजह से साइटोसिन के साथ बॉन्ड किया। एडेनिन बिलोंग करता है प्यूरीन में, साइटोसिन पायरिमिडीन, सो प्यूरीन को पायरिमिडीन से बॉन्ड करना था, लेकिन यहां पे एडेनिन गलत बॉन्ड कर रहा है, एडेनिन को बॉन्ड करना था थाइमिन वाले प्यूरीन पायरिमिडीन के साथ, लेकिन यहां पे एडेनिन एक दूसरे पायरिमिडीन के साथ बॉन्ड करता है, सो दिस इज अ मिस्टेक, दिस इज एन एरर, मैंने इसको अंडरलाइन किया है। उसके बाद ग्वानिन बॉन्ड करता है साइटोसिन के साथ और एडेनिन फिर बॉन्ड करता है थाइमिन के साथ। सो आप ध्यान से देख सकते हैं कि ये जो सेवन न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर्स का एक सेगमेंट है, यहां पे दो न्यूक्लियोटाइड बेस पेयरिंग की गलती हुई है। ग्वानिन पेयर करना था, ग्वानिन को पेयर करना था साइटोसिन के साथ, इसने एडेनिन के साथ पेयर किया, एडेनिन को पेयर करना था थाइमिन के साथ, इसने साइटोसिन के साथ पेयर किया। इट मींस यहां पे दो गलतियां हुई है, एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती है, तीन भी हो सकती है, लेकिन गलती हुई है। यहां पे जो सब्स्टिट्यूशन हुई है, यहां पे जो सब्स्टिट्यूशन हुई है, यहां पे जो पेयरिंग हुई है वो रॉन्ग हुई है, गलती हुई है। ग्वानिन को पेयर करना था साइटोसिन के साथ, उसने एडेनिन के साथ पेयर किया, एडेनिन को पेयर करना था थाइमिन के साथ, साइटोसिन के साथ पेयर कर रहा है, तो यहां पे जो पेयरिंग है वो गलत हुई है। इस गलती की वजह से क्या होता है? ध्यान से देखिए बेटा, एक पॉइंट है जो शायद मैंने बायोमॉलिक्यूल में कहीं ना कहीं डिस्कस जरूर किया होगा, एंड मेरे बच्चों आपको बॉटनी में एक चैप्टर है जेनेटिक्स, तो वहां पे आपको पढ़ना है जीन जेनेटिक कोड में, या जीन जेनेटिक कोड हम कह सकते हैं उस टॉपिक को।
तो जो हमारी बॉडी में जो जीन्स होते हैं, डीएनए होता है, ये जो अपना काम करता है, अपनी एक्सप्रेशन दिखाता है, ये हमेशा कोडांस के हिसाब से दिखाता है। यानी कि मैंने अभी आपको कहा ऊपर कि एक जीन एक प्रोटीन बनाता है, यहां पे जो जीन है सपोज ग्रोथ हार्मोन बना दिया, तो इसी तरीके से एक जीन जो है एक प्रोटीन को बनाता है। लेकिन जो जीन है ये जब प्रोटीन बनाता है, प्रोटीन बना है अमीनो एसिड्स का। हमारे बॉडी में 20 अमीनो एसिड है, यू रिमेंबर इन बायोमॉलिक्यूल्स क्लास मैंने सब डिस्कस किया है। तो हमारे बॉडी में 20 अमीनो एसिड्स है, जो भी हमारी बॉडी के एसेंशियल प्रोटीन, जो भी हमारी बॉडी के प्रोटीन है वो इन्हीं 20 अमीनो एसिड्स के बनते हैं, जिन्हें हम कहते हैं प्रोटीनोजेनिक अमीनो एसिड्स। तो क्या होता है, जब हमारे बॉडी में प्रोटीन बनता है तो हमें क्या करना है कि राइबोसोम्स में, पढ़ा है 11th क्लास में, राइबोसोम्स में हमें एक एक करके अमीनो एसिड्स को एक दूसरे के साथ मिलाना है बाय अ बॉन्ड नोन एज पेप्टाइड बॉन्ड, जिसे एक लॉन्ग चेन बनती है अमीनो एसिड्स की, जिन्हें बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड्स, और जिसे एक प्रोटीन बनता है। नाउ क्वेश्चन हियर इज कि जो जीन है ये किस तरीके से अमीनो एसिड को बुलाता है, या कि ये किस तरह अमीनो एसिड को लाता है राइबोसोम में, या ये किस तरह प्रोटीन बनाता है। उसके लिए एडवांस एक पॉइंट है, उसे बोलते हैं कोडॉन, CODON, कोडॉन, जो हमारे बॉडी का जीनोम है, जो हमारे बॉडी का जीन्स है, जो हमारी बॉडी का डीएनए है, इसमें जो न्यूक्लियोटाइड्स है, ये तीन तीन मिलकर काम करते हैं। यानी कि तीन तीन न्यूक्लियोटाइड जो है एक अमीनो एसिड को कोड करते हैं। सपोज अगर मैंने यहां पे दिखाया AGC, ये तीन कोडॉन है, तीन कोडॉन, ये वन न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर, सेकंड न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर, थर्ड न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर, तो ये तीन न्यूक्लियोटाइड्स एक कोडॉन को बनाते हैं, वन कोडॉन। उसी तरीके से थाइमीन, एडिनिन, ग्वानी, ये दूसरा कोडॉन बनाते हैं। तो एक कोडॉन जो है वो बनता है तीन न्यूक्लियोटाइड्स का। तो जब ये तीन न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर्स मिलते हैं तो एक कोडॉन बनता है, तो एक कोडॉन एक अमीनो एसिड को कोड करता है। सपोज मुझे यहां समझाना है, अगर मैंने लिखा है यहां पे AGC, या यहां पे मैंने लिखा है TCG, तो ये एक ट्रिपलेट कोडॉन है, तो ये कोड करेगा एक अमीनो एसिड को, जो आगे चलकर आपको पढ़ना है। यहां मुझे ये कहना है कि जो तीन न्यूक्लियोटाइड्स है वो एक अमीनो एसिड को कोड करते हैं। अब सपोज मुझे चाहिए था यहां पे TCG, ये कोडॉन है, सपोज ये कोड करता ग्लाइसिन एक अमीनो एसिड, उसे कोड करता। लेकिन जब रॉन्ग पेयरिंग हो जाती है, आप देखिए ग्वानिन को पेयर करना था साइटोसिन के साथ, लेकिन यहां पे एडेनिन आया, तो एक्चुअली ट्रिपलेट कोडॉन क्या था, थाइमिन, साइटोसिन, ग्वानीन। तो जो एक TCG एक ट्रिपलेट कोडॉन है, ये कोड करता एक अमीनो एसिड को, ग्लाइसिन को, लेकिन गलती की वजह से यहां पे ग्वानी ने पियर किया एडेनिन के साथ, एक नया ट्रिपलेट कोडॉन बन गया TAG, होना क्या चाहिए था TCG। तो जब TCG होगा तब जाके ग्लाइसिन कोड हो जाता, लेकिन यहां बन गया TAG, तो जब एक नया ट्रिपलेट कोडॉन बन गया, ये ग्लाइसिन को नहीं वैलिन को कोड करेगा। दैट मीन्स जो एक प्रोटीन चेन होती है, जो एक पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन होता है, उसमें एक अमीनो एसिड चेंज हुआ। तो एक्चुअली होना चाहिए था ग्लाइसिन, क्योंकि यहां पे TCG है, आप देखिए यहां पे TCG है, तो ये जो तीन न्यूक्लियोटाइड कोडॉन है ग्लाइसिन को कोड करते हैं, लेकिन उनके बदले गलती की वजह से TAG बन गया। तो जब ये TAG बन गया, उन्होंने वैलिन को कोड किया, तो एक अमीनो एसिड चेंज हुआ। जब एक अमीनो एसिड चेंज होता है, यानी कि जब एक पॉलीपेप्टाइड चेन में, जब एक प्रोटीन में एक अमीनो एसिड चेंज होता है, तो इससे क्या होता है, इसमें एरर आ जाता है प्रोटीन में। तो जो ये नया प्रोटीन बनता है, इसमें कुछ डिफेक्ट रहता है, और यही डिफेक्ट निकलता है इन द फॉर्म ऑफ डिजीज, जैसे सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया बिल्कुल ऐसे ही होता है, एक न्यूक्लियोटाइड जो है, एक कोडॉन जो है वो चेंज होता है, तो एक दूसरा एमिनो एसिड को कोड किया जाता है, जिसकी वजह से एरर हो जाता है। सपोज आप ध्यान से देखिए, एक लिस्ट निकलता है, कोई टीचर लिस्ट है, एक लिस्ट निकलता है, तो वहां पे जो टाइपो एरर हुआ है, बंदे को जिसको नाम देना था उसने कुछ किसी और का नाम दिया, तो इससे क्या हुआ, जब वो लिस्ट निकलता है, जिस बंदे को होना चाहता नंबर 2 पे या नंबर 3 पे, उसकी जगह कोई और आ गया,
तो दैट मीन ये तो एरर हुआ ना। तो इसी तरीके से यहां पे क्या होता है कि जो एक नॉर्मल न्यूक्लियोटाइड कोडान है टी सी और जी, उनने कोड किया था ग्लाइसिन को, लेकिन यहां पे क्या हुआ, एक एरर हुआ, ग्वानिन ने कोड किया है एडिनिन को, जिसकी वजह से एरर हुआ, एक नया कोडान बन गया टी ए जी का, जो ये नया ट्रिपलेट कोडान है उन्होंने कोड किया वैलिन को। तो इस वाले प्रोटीन में एक जो हम कह सकते हैं ग्लाइसिन के बदले वैलिन है, तो प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाता है। इससे जो है सेंस जो इस प्रोटीन का है वो पूरी तरह नहीं निकलता है, प्रोटीन का जो सेंस है वो रॉन्ग आ जाता है, उसको बोलते हैं मिस सेंस म्यूटेशन, यानी कि जो सेंस है वो प्रॉपरली नहीं निकलता है, जिसकी वजह से एरर हो जाता है। तो जिसकी वजह से जो प्रोटीन है वो प्रॉपरली नहीं बनता, वो डिफेक्टिव पीस होता है और उसकी वजह से डिजीज होती है हमारी बॉडी में। सो मेरे बच्चों अब ध्यान से देखिए, यहां क्रोमोसोम बिल्कुल वही है, ना क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में चेंज हुआ, ना क्रोमोसोम के नंबर में चेंज हुआ, बल्कि अगर चेंज हुआ तो किस में, कि क्रोमोसोम के अंदर जो डीएनए था, डीएनए में एक सेगमेंट है जो एक जीन है, एक जीन में, तो क्रोमोसोम के अंदर बहुत सारे जीन्स हैं, लेकिन एक जीन में इन अप्रोप्रिएट पेयरिंग यानी कि रॉन्ग पेयरिंग की वजह से एक नया कोडान बन गया, जिसने एक रॉन्ग एमिनो एसिड को कोड किया, तो जिसकी वजह से म्यूटेशन हो गई, जिसकी वजह से डिसऑर्डर हो गया। तो ऐसी म्यूटेशन जो सिर्फ और सिर्फ जीन को होगी, वो क्रोमोसोम को नहीं होती है, वो क्रोमोसोम के नंबर को नहीं होती है, वो क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर को नहीं होती है, वो क्रोमोसोम के शेप को नहीं होती है, वो क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी को नहीं होता है, बल्कि उस क्रोमोसोम के अंदर जो जीन्स होते हैं, उस क्रोमोसोम के अंदर जो डीएनए होता है, उस डीएनए में वो चेंज आ जाती है, वो म्यूटेशन हो जाती है। किसकी वजह से? रॉन्ग पेयरिंग की वजह से। उसी को हम नाम देते हैं जीन म्यूटेशन। सो मेरे बच्चों, जीन म्यूटेशन क्या है? ये एक ऐसी म्यूटेशन है जिसमें गलती की वजह से जीन का साइज, जीन की शेप, जीन का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। So, यहां पे क्रोमोसोम के साथ कुछ लेन देन नहीं है, बल्कि क्रोमोसोम के अंदर जो जीन्स होते हैं उन जीन्स में एरर हो जाता है, जो नॉर्मली जीन होना चाहिए था वो डिफेक्टिव पीस बन जाता है, जिसकी वजह से वो जीन जब प्रोटीन बनाएगा, वो जीन जब प्रोडक्ट बनाएगा, वो प्रोडक्ट जो है वो डिफेक्टिव बन जाता है और उसकी वजह से क्या हो जाता है, एक डिसऑर्डर हो जाता है, एक डिजीज हो जाती है। So, इस म्यूटेशन को हम कहते हैं जीन म्यूटेशन। अब हम देखेंगे कि जो जीन म्यूटेशन है, ये एक ऐसी म्यूटेशन है जिसमें चेंज होती है जीन के नंबर में या जीन के टाइप या सीक्वेंस में, यानी कि चेंज किसमें हो गई, नंबर में, जीन का नंबर जो है चेंज हो गया, या जीन का टाइप जो है वो चेंज हो गया, या जीन में जो सीक्वेंस है न्यूक्लियोटाइड्स की, जैसे यहां पे सीक्वेंस क्या थी, ग्वानिन और एडिनिन, तो सीक्वेंस जो है जीन्स की वो चेंज हो जाती है, किसकी वजह से, बाय रॉन्ग नाइट्रोजन बेस पेयरिंग की वजह से डीएनए में, तो उसको हम बोलते हैं जीन म्यूटेशन। सो जीन म्यूटेशन इज अ चेंज इन नंबर टाइप और सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड नाइट्रोजनस बेस पेयर्स इन डीएनए, यानी कि एक डीएनए में जो न्यूक्लियोटाइड नाइट्रोजनस बेस पेयरिंग होती है उसकी सीक्वेंस में एरर हो जाता है, उसकी सीक्वेंस रॉन्ग हो जाती है, या जीन का नंबर ही चेंज हो गया, या जीन का टाइप चेंज हुआ, जिसे हम नाम देते हैं जीन म्यूटेशन। सो इस वक्त जो म्यूटेशन पढ़ने जा रहे हैं वो जीन की है, क्योंकि यहां पर जीन का नंबर चेंज होगा, यहां जीन का साइज चेंज होगा, या जीन की शेप चेंज होगी, या यहां पे जो जीन की सीक्वेंस है, नाइट्रोजनस बेस की सीक्वेंस है, वो सीक्वेंस चेंज होगी। ये जो जीन म्यूटेशन है, ये ऑटोसोम में भी हो सकता है, ये एलोसोम में भी हो सकता है, क्योंकि जो जीन्स है वो ऑटोसोम्स में भी होते हैं और वो एलोसोम यानी कि सेक्स क्रोमोसोम में भी हो सकते हैं। वो जीन क्रोमोसोम नंबर 1 में भी होता है, क्रोमोसोम नंबर 7 में भी होगा, क्रोमोसोम नंबर 21 में भी है, और एक्स और वाई में भी है। सो दैट मीन जो जीन म्यूटेशन है ये ऑटोसोमल भी होगा और एलोसोमल भी होगा, यानी कि ये म्यूटेशन ऑटोसोम्स में भी हो सकती है और ये म्यूटेशन सेक्स क्रोमोसोम में भी हो सकती है। Now, अगर चेंज हुई, अगर जीन म्यूटेशन हुई एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड को,
सपोज यहां मैंने दिखाया है एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड गुआनी और एडेनिन, अगर खाली यहां पे चेंज है, रेस्ट जो बाकी सीक्वेंस वो से क्लियर है, नॉर्मल है, सिर्फ एक जगह पे यहां पे इन अप्रोप्रिएट पियरिंग है, वो यहां पे गुआनी को पियर करना था साइटोसिन के साथ, गुआनी ने पियर किया एडेनिन के साथ, तो सिर्फ एक जगह पे एरर हुआ है, इसे हम नाम देते हैं पॉइंट म्यूटेशन। ध्यान से देखिए, वो म्यूटेशन जो सिर्फ एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड बेस को होगी, यानी कि यहां पे मल्टीपल नाइट्रोजन बेस को नहीं होती है, यहां पे होल जीन को इन्वॉल्व नहीं होता है, यहां जीन में छुपा हुआ एक न्यूक्लियोटाइड उसमें एरर है। बाकी जो 99% जीन है वो ठीक है, बाकी जो जीन है वो नॉर्मल है, लेकिन एक जीन में के सॉरी एक जीन के एक न्यूक्लियोटाइड में प्रॉब्लम है, यानी कि एक न्यूक्लियोटाइड की जो पेयरिंग है वो रॉन्ग हो गई है, गलती हो गई है, यानी कि यहां पे जो मैंने सीक्वेंस लिया रेस्ट ऑफ द सीक्वेंस नॉर्मल है, लेकिन एक जगह पे एरर हो गया, तो जब सिर्फ एक न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर को एरर होगा हम उसे कहते हैं पॉइंट म्यूटेशन। और इसकी बेस्ट एग्जाम्पल है सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है मेरे बच्चों, सिर्फ एक न्यूक्लियोटाइड इन अप्रोप्रिएट पेयरिंग करता है, रॉन्ग पेयरिंग करता है, जिसकी वजह से वहां कोडॉन डिफरेंट बनता है और एक नया एमिनो एसिड कोड हो जाता है, जिसे पूरा हम कह सकते हैं बीटा ग्लोबिन जो आरबीसी का है वो डिफेक्टिव बन जाता है, और इस डिजीज को हम बोलते हैं सिकल सेल एनीमिया, जो आगे चलकर हम इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। Now, जब होल जीन इन्वॉल्व होगा या जब एक से ज्यादा न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर्स इन्वॉल्व होंगे, ध्यान से, जब होल जीन्स इन्वॉल्व होंगे, जब पूरा जीन इन्वॉल्व होगा, यानी कि एक न्यूक्लियोटाइड नहीं, अब पूरे जीन इन्वॉल्व हो गया, या हम ये कह सकते हैं एक से ज्यादा न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर में प्रॉब्लम है, तो इसे हम बोलते हैं ग्रॉस म्यूटेशन। सो ग्रॉस म्यूटेशन नाम से ही पता चलता है कि यह म्यूटेशन है पूरे जीन में, ये म्यूटेशन है पूरे सीक्वेंस ऑफ द जीन में, तो यहां पूरा जीन इन्वॉल्व हो जाता है, इसलिए हम उसको नाम देते हैं ग्रॉस म्यूटेशन। नाउ टाइप ऑफ अकुरंस, यानी कि ये जो जीन म्यूटेशन है, यहां मैंने दिया था टाइप ऑफ, मतलब यहां पे मैंने कहा था क्या ये एक को होता है या पूरे को, यहां हम लेंगे अकुरंस। अकुरंस में ये म्यूटेशन किसकी वजह से होता है, अगर खुद होगी म्यूटेशन, कभी कभार कोई सोर्स नहीं होता है, खुद ब खुद स्पॉन्टेनियसली हो जाता है, खुद ब खुद म्यूटेशन होती है बॉडी में, उसे हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन। नाम से वही पता चलता है, वो वाली म्यूटेशन जो खुद होती है, नेचुरली होती है, जिसके पीछे ना इंसान का हाथ है ना किसी और चीज का हाथ है, बल्कि वो स्पॉन्टेनियसली नेचर की वजह से, कुदरत की वजह से, अल्लाह की वजह से खुद ब खुद होता है बॉडी के अंदर, हम उसे नाम देते हैं स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन। स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन के बेस्ट एग्जांपल मैं आपको बेटा बोलूंगा, जब थॉमस हंट मॉर्गन रिसर्च कर रहा था किन पे, ड्रोसोफिला पे, जिस तरह ग्रीगर जॉन मेंडल ने काम किया था पाइसम सेटाइवम यानी कि पी पे मटर पे, तो उसी तरीके से थॉमस हंट मॉर्गन जो काम करता था किस पे, वो काम करता था ड्रोसोफिला पे, तो उसने क्या देखा कि ड्रोसोफिला की जो आई होती है उसका कलर जो होता है वो रेड कलर का होता है, रेड कलर, लेकिन वो ड्रोसोफिला पे काम कर रहा था तो इसके सामने बहुत सारी पड़ी थी ड्रोसोफिला, तो सारे ड्रोसोफिला का आई का कलर क्या था, रेड, लेकिन सडनली उसको नजर पड़ी एक ड्रोसोफिला पे जिसके आई का कलर व्हाइट था, वो हक्का बक्का रह गया, उसको पता था कि सारे ड्रोसोफिला का कलर जो है वो रेड है, लेकिन सडनली उसने एक व्हाइट कलर आई की वाली ड्रोसोफिला देखी, यानी कि वो ड्रोसोफिला देखी जिसके आई का कलर क्या था, व्हाइट, ये देखकर उसको हैरत हो गई, उसको इंटरेस्ट बढ़ा, उसने कहा कि कैसे मुमकिन है, तो जो ये व्हाइट आई है ड्रोसोफिला में ये एक म्यूटेशन है जो स्पॉन्टेनियसली हुआ था, जिसके पीछे कोई ड्राइविंग फोर्स नहीं था, वो खुद हुआ था, तो उसको हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन। कोई पूछेगा व्हाट इज अ स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन, टेल देम कि वो म्यूटेशन जो खुद होगी, नेचुरली होगी, दैट इज स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन, एंड इसकी बेस्ट एग्जांपल क्या है, व्हाइट आई इन ड्रोसोफिला। उसके बाद जो दूसरी है, दैट्स इंड्यूस्ड म्यूटेशन, नाम से ही पता चलता है ये वो म्यूटेशन है जो इंसान के इंटरफेरेंस है, यानी कि इंसानी हाथ की वजह से होता है, जो जिसके पीछे ना आपकी ताकत है, सॉरी जिसके पीछे नेचर की ताकत नहीं है बल्कि इंसान की ताकत है, यानी कि जहां इंसान खुद चाहता है कि यह म्यूटेशन हो, जो आर्टिफिशियली हो जाए, तो हम उसको कहते हैं इंड्यूस्ड म्यूटेशन। नॉर्मली तो इंसान नहीं चाहेगा, क्योंकि जो म्यूटेशन है यह हमेशा लीथल है,
इनकी वजह से डेथ हो सकती है, या इनकी वजह से ऐसे डिसऑर्डर या ऐसे डिजीज होते हैं जो नॉन क्योरेबल है, तो इंसान चाहेगा ही नहीं कि वो म्यूटेशन करे। लेकिन बाय वन वे अदर वे कभी जरूरत पड़ती है कि इंसान कहता है कि मैं म्यूटेशन करूं, उसको हम नाम देते हैं इंड्यूस्ड म्यूटेशन। इसकी बेस्ट एग्जाम्पल इस वक्त नाउडेज है जो हम बायोटेक में पढ़ेंगे, जीन थेरेपी। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है तो जो नॉन क्योरेबल है, तो हम उस जेनेटिक डिसऑर्डर को क्योर करना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं बाय जीन थेरेपी से, जीन्स की मदद से। तो वहां पे हम उस जीन में एक म्यूटेशन, एक तरीके का म्यूटेशन कर सकते हैं, करते हैं, जिसे हम बोलते हैं इंड्यूस्ड म्यूटेशन। लेटर ऑन वी विल स्टडी इट, क्योंकि यह हमें पढ़ना है बायोटेक में। नाउ डियर स्टूडेंट्स, हम पहले लेंगे जीन म्यूटेशन की टाइप्स। तो जब हम जीन म्यूटेशन के टाइप्स लेंगे, उसके लिए, उस टाइप को समझने के लिए मैं यहां पे एक लाइन बोलता हूं। अब ध्यान से देखिए लाइन क्या है मैंने, द फैट कैट एट द रैट। अंडरस्टैंड इट, ये कोई मॉकरी नहीं है या कोई राइम नहीं है, आप अंडरस्टैंड कीजिए मैंने क्या, मैं क्या बोल रहा हूं। द टी एच ई द फैट एफ ए टी फैट, फैट मीन्स जो मोटी होगी, फैटी होगी, कैट यानी कि एक बहुत ही बड़ी फैटी कैट। एट एट मीन्स वो खाती है, किसे, द रैट। सो इसका एक मीनिंग है, द फैट कैट, द फैट कैट एट द रैट, एक जो फैटी कैट है उसने किसे खाया, रैट को। तो इसका एक कंप्लीट मीनिंग है, एक बड़ी सी जो बिल्ली है उसने खाया चूहे को, ये तो मीनिंगफुल है, यहां पे कोई एरर नहीं है, तो ये मीनिंगफुल है। सॉरी, एक्चुअली आई एम मेकिंग दिस वीडियो यूजिंग मोबाइल फोन, तो आई फॉरगेट टू कीप इट ऑन द एयरप्लेन मोड, दैट्स व्हाई। द फैट कैट एट द रैट। अब आप इस लेटर को देखिए, इस सेंटेंस को देखिए, सेंटेंस मीनिंगफुल है, सेंटेंस का जो पूरा जो मीनिंग वो है। अब जरा देखिए यहां पे तीन लेटर्स, टी एच ई द, उसके बाद फैट एफ ए टी फैट, तीन लेटर्स, सी ए टी कैट, ए टी ई एट, टी एच ई द और ए टी रैट। सो यहां पे जितने भी वर्ड्स है वो तीन तीन लेटर्स के बने। तो अब आप इसको रिमेंबर कीजिए इस तरीके से कि जो हमारे बॉडी में जेनेटिक, जो हमारे बॉडी में कोडॉन्स है या जो हमारे बॉडी में जीन्स है, तो वो उनकी जो सीक्वेंस है, जैसे मैंने अभी आपको बोला था, वो सीक्वेंस जो है वो तीन तीन न्यूक्लियोटाइड्स की वजह से है। तो यहां पे मैंने भी एक सेंटेंस बनाया है तीन तीन न्यूक्लियोटाइड्स का, द फैट कैट एट द रैट। तो यहां पे तीन तीन न्यूक्लियोटाइड्स है। Now, जब मैं पढ़ता हूं द फैट कैट एट द रैट, या जब आप लोग इसको पढ़ोगे, डेफिनेटली जो ये सुनेगा उसको पता चलेगा कि इसका कहने का मकसद क्या है। अगर आप ऑन द वे किसी बंदे को बोलोगे द फैट कैट एट द रैट, तो वो समझेगा हाँ, एक बड़ी सी चर्बी वाली जो बिल्ली है उसने एक चूहे को खाया। तो यहां पर मीनिंगफुल बन जाता है। अब ध्यान से देखिए, हम जीन म्यूटेशन पढ़ेंगे, इसके टाइप समझेंगे, जीन म्यूटेशन की टाइप्स। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप ध्यान से देखिए, यहां पे जो लेटर सी है, सपोज सी जो लेटर है, इस सी को मैं रिप्लेस करूंगा बी से, इस सी को मैं रिप्लेस करूंगा बी से, जस्ट अ मिनट, इस सी को मैं रिप्लेस करूंगा बी से, अंडरस्टैंड कीजिए प्लीज एंड प्लीज, इस सी को मैं रिप्लेस करूंगा किसकी, किससे, बी से। तो यहां देखिए आप, दिस इज सी लेटर, मैं सी के बदले बी ला रहा हूं। तो जब मैं सी के बदले ला रहा हूं बी, ये क्या बन गया, बैट, द फैट बैट एट द रैट। अभी तक जो मीनिंग था वो द फैट कैट एट द रैट, कि एक बड़ी सी बिल्ली ने किसे खाया, चूहे को। लेकिन जब मैंने सी को रिप्लेस किया बी से, इससे क्या मतलब हो गया, इससे यह मीनिंग हो गया कि जो एक चमगाड़ है, एक बड़ा सा फैटी चमगाड़ है, उसने किसे खाया, चूहे को। तो यहां मैंने जब सी को रिप्लेस किया किससे, बी से, तो दूसरा मीनिंग आ गया। पहले आप क्या कहते थे कि एक बड़ी सी बिल्ली ने चूहे को खाया, अब आप क्या कहते हो, अब आप कहते नहीं, एक बड़े से फैटी चमगादड़ ने चूहे को खाया। सो आप देखिए दोनों सेंटेंस, दोनों सेंटेंस में सिर्फ एक लेटर के चेंज होने से,
मैंने सारे लेटर चेंज नहीं किए, मैंने सिर्फ एक लेटर, एक ट्रिपलेट वर्ड का सिर्फ एक लेटर चेंज किया। यहां पे जो ट्रिपलेट वर्ड है वो है कैट, मैंने कैट का सिर्फ सी चेंज किया, तो इससे एक मीनिंग जो है वो चेंज हुआ। अभी आप क्या कह रहे थे, एक बड़ी सी बिल्ली ने किसे खाया, चूहे को खाया, लेकिन अब आप क्या कह रहे हो, एक बड़ी सी बैट ने, चमगादड़ ने किसे खाया, रैट को खाया। तो यहां मैंने सी को किससे रिप्लेस किया, बी से, इसे हम बोलते हैं सबस्टिट्यूशन। सबस्टिट्यूशन किसे हम बोलते हैं, जब हम एक नाइट्रोजनस बेस को रिप्लेस करते हैं दूसरे बेस से। सपोज अगर हमारे पास एक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है, हमारे पास एक जीन है, कोई नाइट्रोजनस बेस है, सपोज एडिनिन है, गुआनिन है, थाइमीन है, साइटोसिन है, तो जब हम एक पर्टिकुलर न्यूक्लियोटाइड को रिप्लेस करेंगे किसी दूसरे न्यूक्लियोटाइड से, हम इसे नाम देते हैं सबस्टिट्यूशन। सो सबस्टिट्यूशन क्या है, ये वो जीन म्यूटेशन है जिसमें एक नाइट्रोजनस बेस रिप्लेस होती है दूसरे नाइट्रोजनस बेस से। जैसे ऊपर वाले सेंटेंस में हमने सी को रिप्लेस किया उसी दूसरे लेटर से, सी भी एक इंग्लिश अल्फाबेट है, बी भी एक इंग्लिश अल्फाबेट है, हमने सिर्फ उनको रिप्लेस किया तो मीनिंग चेंज हुआ ना। पहले कैट था, अब क्या बन गया, बैट। क्या बैट और कैट सेम है? नो, नॉट एट ऑल। तो हमने सिर्फ एक लेटर को जब रिप्लेस किया तो मीनिंग चेंज हो गया। तो यहां पे हम क्या करें, सबस्टिट्यूशन। सबस्टिट्यूशन मींस कि हम एक नाइट्रोजनस बेस को रिप्लेस करते दूसरे नाइट्रोजनस बेस से, तो इससे भी क्या होगा, एक मीनिंग जो है वो चेंज होगी। नाउ जो सबस्टिट्यूशन है, ध्यान से देखिए, एक कोडॉन चेंज इन वन कोडॉन इन जनरल, यानी कि सबस्टिट्यूशन से क्या होता है कि सिर्फ एक कोडॉन में चेंज आ जाती है। जैसे यहां देखिए, पहले था टी एच ई द एफ ए टी फैट, ये पहले सीक्वेंस भी सेम है, दूसरे सीक्वेंस में भी सेम है, लेकिन पहले क्या था, सी ए टी कैट, हमने सी को क्या किया, रिप्लेस किससे, बी से, ये क्या बन गया, बैट। तो बाकी एट द रेड गो, रेस्ट ऑफ द वर्ड सेम है, लेकिन सिर्फ एक तीन ट्रिपलेट वर्ड में चेंज आ गया, सी के चेंज होने से वो बन गया बैट, पहले था कैट अब ये बन गया बैट। तो दैट मीन सिर्फ एक ट्रिपलेट वर्ड जो है चेंज हो गया, रेस्ट ऑफ द जो ट्रिपलेट वर्ड्स है उन पे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो सबस्टिट्यूशन से क्या होता है, सिर्फ एक कोडॉन चेंज होता है। जैसे यहां पे तीन ट्रिपलेट कोडॉन है, तीन, इसी तरह हमारे बॉडी में भी ट्रिपलेट कोडॉन है। जब एक नाइट्रोजनस बेस पेयरिंग चेंज होगी, यानी कि जब एक नाइट्रोजनस बेस, एक न्यूक्लियोटाइड बेस दूसरे न्यूक्लियोटाइड बेस से रिप्लेस होगी, तो सिर्फ उस पर्टिकुलर कोडॉन में चेंज आ जाएगी, रेस्ट ऑफ द कोडॉन में कोई चेंज नहीं आएगी। तो सबस्टिट्यूशन की वजह से सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलर एक कोडॉन में चेंज आ जाती है। और उससे क्या होता है, जब एक कोडॉन चेंज होता है, उससे जो वो एमिनो एसिड बनता है वो भी चेंज हो गया। सपोज यहां पे क्या था, कैट, कैट मीन्स बिल्ली, अब आपने सी को चेंज किया, उसके बदले क्या लाया, बी, बी फॉर बैट, तो यहां पे बन गया बैट, पहले था कैट, कैट मीन्स बिल्ली, लेकिन अब क्या बन गया, बैट, बैट मीन्स चमगादड़, आपने कुछ चेंज किया, ए भी वही पे, टी भी वही पे, चेंज किसे किया, एक लेटर को, सी को आपने चेंज किया, तो जब आपने सी को चेंज किया ये बन गया बैट। तो इट मीन्स जब आप एक लेटर को चेंज करते हैं मीनिंग डिफरेंट आ जाती है, रेस्ट ऑफ द जो सेंटेंस है वो सेम रहता है। इसी तरीके से जो एक जीन की सीक्वेंस होती है, अगर उसमें हमने सिर्फ एक कोडॉन, यानी कि सब, अगर एक जीन की सीक्वेंस में हमने सिर्फ एक नाइट्रोजनस बेस को या एक न्यूक्लियोटाइड बेस को चेंज किया दूसरे न्यूक्लियोटाइड बेस से, व्हाट विल हैपन, रेस्ट ऑफ द सीक्वेंस, रेस्ट ऑफ द कोडॉन सेम रहेंगे, लेकिन वो पर्टिकुलर कोडॉन जो चेंज होगा। तो वही कहा कि जब जो सबस्टिट्यूशन से सिर्फ एक कोडॉन चेंज हो जाता है, रेस्ट ऑफ द कोडॉन सेम रहते हैं, लेकिन जब एक कोडॉन चेंज हो गया तो उसके मीनिंग भी चेंज हो जाएगी। पहले कैट था बिल्ली, लेकिन सी के चेंज करने के बाद बैट बन गया, तो बन गया चमगादड़। तो जब कोडॉन चेंज हुआ, पहला वाला कोडॉन पहले वाले एमिनो एसिड को कोड करेगा, लेकिन जब दूसरा कोडॉन आएगा वो दूसरे एमिनो एसिड को कोड करेगा, तो पूरे प्रोटीन में सिर्फ एक एमिनो एसिड को चेंज हो जाता है। सो पूरे प्रोटीन की जो सीक्वेंस है वो सेम रहती है, एक्सेप्ट वन एमिनो एसिड, खाली एक एमिनो एसिड चेंज होता है, क्योंकि उस एमिनो एसिड का कोडॉन क्या हो गया, चेंज। ये दो पॉइंट जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखने आपको सबस्टिट्यूशन के लिए। सबस्टिट्यूशन में क्या होता है, सिर्फ एक कोडॉन चेंज होता है और उसकी वजह से सिर्फ एक ही एमिनो एसिड भी क्या होता है, चेंज। Now, जो सबस्टिट्यूशन है ये दो तरह के हैं, एक है ट्रांजिशन और दूसरा है ट्रांसवर्जन। ध्यान से देखिए, जब हम बात करेंगे ट्रांजिशन की, प्यूरीन रिप्लेस्ड बाय प्यूरीन, आपको पता ही 11th क्लास में हमने पढ़ा है, एडिनिन गुआनिन ये प्यूरीन्स है,
साइटोसिन, थाइमिन जो है ये पायरिमिडीन है। यूरैसिड की बात नहीं करूंगा क्योंकि यूरैसिड की बात हो, एक्चुअली ऑरेंज में है तो चलो यूरैसिड की बात करेंगे। एडिनिन, गुआनिन दे आर प्यूरीन्स, साइटोसिन, थाइमिन एंड यूरैसिल ये आते हैं किसमें, पायरिमिडीन में। तो प्यूरीन को रिप्लेस करेगा प्यूरीन ही, यानी कि अगर हम किसी जगह पर किसी ट्रिपलेट कोडान में कोई नाइट्रोजनस बेस चेंज होती है उसको जो रिप्लेस करेगा वो खुद होना चाहे प्यूरीन। सपोज अगर प्यूरीन है नाइट्रोजनस बेस तो उसे जो रिप्लेस करेगा वो प्यूरीन ही है। सपोज यहां मैंने लिखा एडिनी, यूरैसिल एंड गुआन, ये कोडान है ए यू जी, जैसे यहां पे क्या था कैट, सी ए टी कैट, तो यहां पे क्या लिखा मैंने ए यू जी, यहां हमने सी के बदले क्या लाया बी, तो हमने सिर्फ एक लेटर को चेंज किया, सी को लाया बी से, तो यहां पे क्या हम एडिनिन को चेंज करेंगे। ध्यान से देखिए बेटा ये एडिनिन है तो एडिनिन के बदले हम नया नाइट्रोजन बेस लाते हैं जी, ये यू, ये यू सेम, ये जी सेम, तो हमने सिर्फ एडिनिन को रिप्लेस किया किस से, गुआनिन से, गुआनिन से। तो जब हमने एडिनिन को रिप्लेस किया गुआनिन से इसे बोलते हैं सबस्टिट्यूशन। तो सबस्टिट्यूशन मींस कि हम रिप्लेस कर रहे हैं एक नाइट्रोजनस बेस को दूसरे नाइट्रोजनस बेस की से। लेकिन क्वेश्चन यहां पे है कि जो एडिनिन है ये प्यूरीन है, जो गुआनिन है ये भी प्यूरीन है, तो हम प्यूरीन को प्यूरीन से रिप्लेस कर रहे हैं। अब ध्यान से सुनिए, यहां पे क्या था एडिनिन, तो यहां भी आपने क्या लाया गुआनिन, प्यूरीन क्या है सॉरी एडिनिन क्या है प्यूरीन, गुआनिन भी क्या है प्यूरीन, तो आपने एडिनिन के बदले जिस बंदे को यहां पे लाया वो किस में आता है प्यूरीन में। सो इस तरीके से इस वाले म्यूटेशन को बोलते हैं हम ट्रांजिशन को, यानी कि ये जो सबस्टिट्यूशन है यहां पे जो हमने अदली बदली हो गई एडिनिन के बदले कोई दूसरा आया, जैसे यहां पे सी के बदले बी आ गया तो यहां पे एडिनिन के बदले क्या आ गया जी, एडिनिन बिलोंग करता है प्यूरीन में, गुआनिन बिलोंग करता है प्यूरीन में, तो प्यूरीन को किसने रिप्लेस किया प्यूरीन ही ने, इसे हम बोलते हैं ट्रांजिशन। इसी तरीके से सपोज दूसरी एग्जाम्पल है एडिनिन, यूरैसिल, गुआनिन, एडिनिन, साइटोसिन, गुआनिन, ये ए सेम, ये ए सेम, ये जी सेम, ये जी सेम, लेकिन जो मिडल यहां पे है नाइट्रोजनस बेस या न्यूक्लियोटाइड यूरैसिल, उसके बदले क्या आ गया साइटोसिन। तो आपको पता ही है यूरैसिल को किसने रिप्लेस किया साइटोसिन ने, यूरैसिल किसमें आता है यूरैसिल बिलोंग करता है पायरिमिडीन। मैं रिपीट करना चाहता हूं, यूरैसिल, साइटोसिन एंड थाइमीन ये किसमें आते हैं पायरिमिडीन, एडिनिन और गुआनिन प्यूरीन, यूरैसिल, थाइमीन एंड साइटोसिन दे बिलोंग टू पायरिमिडीन। तो यहां पे यूरैसिल को किसने रिप्लेस किया साइटोसिन ने, पायरिमिडीन को किसने रिप्लेस किया पायरिमिडीन ही ने, यहां पे रिप्लेस किया प्यूरीन को किसने प्यूरीन ने, पायरिमिडीन को किसने रिप्लेस किया पायरिमिडीन ने। सो दिस इज अ ट्रांजिशन, सो ट्रांजिशन इज दैट टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूशन जिसमें प्यूरीन रिप्लेस करेगा प्यूरीन को और पायरिमिडीन रिप्लेस करेगा पायरिमिडीन को। नेक्स्ट वन इज अ ट्रांसवर्जन, यहां प्यूरीन को रिप्लेस कौन करेगा पायरिमिडीन और पायरिमिडीन को कौन रिप्लेस करेगा प्यूरीन। सो प्यूरीन इज रिप्लेस्ड बाय पायरिमिडीन एंड पायरिमिडीन इज रिप्लेस्ड बाय प्यूरीन। तो जरा ध्यान से देखिए कैसे, मेरे पास एक नाइट्रोजन सीक्वेंस है एडिनिन, यूरैसिल, गुआनिन, यहां पे क्या आ गया साइटोसिन, यूरैसिल, गुआनिन, यूरैसिल सेम, यूरैसिल सेम, गुआनिन सेम, गुआनिन सेम, लेकिन जो नाइट्रोजनस बेस है एडिनिन, जो न्यूक्लियोटाइड बेस है एडिनिन, इस एडिनिन को रिप्लेस करता है साइटोसिन। सो जो ए है इट्स रिप्लेस्ड बाय साइटोसिन, जो एडिनिन है ये बिलोंग करता है प्यूरीन में, जो साइटोसिन है बिलोंग करता है पायरिमिडीन। सो यहां प्यूरीन को किसने रिप्लेस किया पायरिमिडीन ने, सो दिस इज अ ट्रांसवर्जन। सो प्यूरीन इज रिप्लेस्ड बाय पायरिमिडीन, दैट्स अ ट्रांसवर्जन। एक और एग्जांपल एडिनिन, यूरैसिल, गुआनिन, एडिनिन, एडिनिन, गुआनिन, एडिनिन, एडिनिन, गुआनिन, गुआनिन, लेकिन यूरैसिल इज रिप्लेस्ड बाय एडिनिन, जो यूरैसिल है ये एक्चुअली है पायरिमिडीन, यूरैसिल क्या है एक्चुअली पायरिमिडीन, लेकिन एडिनिन क्या है प्यूरीन, तो यहां पायरिमिडीन को किसने रिप्लेस किया प्यूरीन ने, सो दिस इज ट्रांसवर्जन। सो सबस्टिट्यूशन के दो टाइप्स है, एक है ट्रांजिशन और दूसरा है ट्रांसवर्जन। ट्रांजिशन मींस जिसमें प्यूरीन को रिप्लेस करेगा प्यूरीन और पायरिमिडीन को रिप्लेस करेगा पायरिमिडीन। व्हाट इज अ ट्रांसवर्जन, व्हेन प्यूरीन इज रिप्लेस्ड बाय पायरिमिडीन एंड पायरिमिडीन इज रिप्लेस्ड बाय प्यूरीन, दैट इज अ ट्रांसवर्जन। यह हमारा पहला टाइप था सबस्टिट्यूशन। नेक्स्ट वी विल शिफ्ट टू फ्रेम शिफ्ट या गिबरिश म्यूटेशन। प्लीज इसे याद रखिए, एक है फ्रेम शिफ्ट,
फ्रेम जिसमें पूरी रीडिंग चेंज होगी, या इसे हम नाम देते हैं गिब्रिश, GIBBERIS, गिब्रिश म्यूटेशन। सो ये हमारी सेकंड म्यूटेशन, यानी कि जीन म्यूटेशन का दूसरा टाइप, फ्रेम शिफ्ट या गिब्रिश म्यूटेशन। देखिए वही स्यूकेनस जो मैंने पहले लिखी थी, द फैट कैट एट द रैट, द फैट कैट एट द रैट। ध्यान से सुनिए, पहले हम लेंगे एग्जाम्पल नंबर वन। ये देखिए, ये मैंने फर्स्ट एग्जाम्पल ली। सपोज यहां पे टी है, टी के बदले क्या है, एच। लेकिन कोई बंदा आ गया जो बीच में ही आ गया, वो जो बीच में घुसा, टी और एच के बीच में घुसा, यानी कि यहां पे एक ट्रिपलेट था वर्ड टी एच ई द। अब अगर सपोज हम ऐसे समझाएंगे, एक बच्चे ने गलती की, उसने टी और एच के बीच में पी डाला, अब क्या सेन सेम रहेगा, क्या ऑर्डर सेम रहेगा? अगर हमने क्या किया, हमने यहां टी और एच के बीच में क्या डाला, पी, तो इससे क्या बनेगी स्यूकेनस? ध्यान से देखिए, पहले क्या आएगा टी, उसके बाद क्या आएगा पी, उसके बाद क्या आएगा एच। सो यहां पहले क्या था टी, टी के बाद क्या आ गया, यहां पे ऐड क्या हुआ, फॉस्फेट, आई मीन पी, सॉरी नॉट फॉस्फेट, पी लेट, तो पी आ गया, उसके बाद क्या आ गया एच। तो यहां पे ट्रिपलेट हमारे बने, तीन तीन वर्ड्स, तीन तीन लेटर्स का वर्ड बनाना है। तो जो ये ई है, ये निकलता है किसके साथ, ज्वाइन होता है एफ के साथ, ई एफ ए, क्योंकि टी और एच और ई ये तीन तीन लेटर्स का वर्ड है। यहां देखिए, यहां पे तीन लेटर वर्ड, थ्री 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 लेटर वर्ड, लेकिन यहां पे टी और एच के बीच में किसने जंप मारी, पी। सो यहां टी के बाद क्या आ गया, पी और एच, तो ये बन गए तीन लेटर। ई को निकलना पड़ा, ई किसके साथ मिलेगा, एफ के साथ, तो ई एफ ए मिला। टी निकला किसके साथ, मिला सी ए के साथ, टी सी ए मिला, तो यहां बचा टी, ये किसके साथ मिलेगा, टी ए टी के साथ, ठीक है, ये टी मिला इन दो के साथ, यहां बचा ई, ई मिला किसके साथ, टी एच के साथ, ई टी एच, तो यहां कौन बचा ई, ये किसके साथ मिलेगा, आर ए के साथ, ई आर ए, लास्ट में कौन बचा, टी। सो आप देखिए, यहां पे एक न्यूक्लियोटाइड, यहां ये किसे, एक लेटर जब ऐड हो जाता है तो होल मीनिंग जो है वो चेंज हो जाता है। अभी क्या था, द फैट कैट एट द रैट, लेकिन अब क्या है, टी पी एच ई एफ ए टी सी ए टैट ई टी एच एर आर टी, इसका कोई मीनिंग नहीं बनता। अगर ये सेंटेंस हम रखेंगे किसी भी बंदे के सामने, वो कहेगा ये पूरा सेंटेंस सेंसलेस है। इससे पहले जो हमने पढ़ा था, इफ यू रिमेंबर माई डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले जो हमने पढ़ा था, द फैट कैट एट द रैट, एक मोटी सी बिल्ली ने चूहे को खाया, हमने सिर्फ सी को रिप्लेस किया किससे, बी से, तो मीनिंग क्या बन गया, द फैट बैट एट द रैट, मीनिंग चेंज हुआ लेकिन फिर भी सेंस था। नो डाउट, पहले आपने कहा एक मोटी सी बिल्ली ने किसे खाया, चूहे को, अब आप कहते हैं एक मोटे से चमगादड़ ने चूहे को खाया, थोड़ा बहुत फर्क पड़ा लेकिन ओवरऑल फिर भी सेंस रह जाता है, दूसरे स्थिति में सेंस रहता है, मीनिंग रहता है। लेकिन यहां पे क्या हुआ, यहां टी और एच के बीच में पी आ गया, तीन तीन लेटर्स का वर्ड बनाना है, टी पी और एच मिले, बचा कौन, ई, ई किसके साथ ज्वाइन हुआ, ई ने ज्वाइन किया एफ ए के साथ, बनाया ई एफ ए, यहां बचा कौन, टी, वो किसने किसके साथ ज्वाइन करेगा, सी ए के साथ, टी सी ए, बचा कौन, टी, ये कहां गया, यहां पे किसके साथ मिला, ए टी के साथ, क्या बनाया, टी ए टी, बचा कौन, ई, किसके साथ मिला, टी एच के साथ, क्या बनाया, ई टी एच, बचा कौन, ई, किसके साथ मिला, आर ए के साथ, लास्ट में ये टी बच गया। तो आप देखिए, पूरे जो सीक्वेंस है, पूरा जो सेंटेंस है, उसकी जो मीनिंग है वो चेंज हो गई, टी पी एच ई एफ ए टी सी ए टैट ई टी एच ई आर ए टी, क्या ये कोई मीनिंग रहती है? इससे पहले आपने कहा था द फैट कैट एट द रैट, एक मोटी सी बिल्ली ने किसे खाया, चूहे को, मीनिंग था, सबको समझ आएगा। लेकिन अगर आप ये सीक्वेंस रखोगे टी पी एच ई एफ ए टी सी ए टैट ई टी एच ई आर ए टी, क्या ये कोई मीनिंग है, क्या इसका कोई सेंस है? नो, नॉट एट ऑल, ये नॉन सेंस म्यूटेशन है, यानी कि इसका कोई भी सेंस नहीं है, इसका पूरा सेंस चेंज हुआ। सो सिर्फ एक न्यूक्लियोटाइड या एक लेटर के एड होने से पूरा सीक्वेंस जो, पूरा ऑर्डर जो है वो चेंज हो गया। इज दैट क्लियर? अब जरा देखिए दूसरी एग्जाम, इसे हम बोलते हैं इंसर्शन, यानी कि यहां पे हमने ऐड किया था, एडिशन भी बोल सकते हैं, हमने यहां पे एक लेटर ऐड किया था। अब दूसरा देखिए, सपोज हम इस एफ को डिलीट करेंगे, सपोज हम इस एफ को क्या करेंगे, डिलीट, जरा क्या देखिए, पहले क्या बनेगा, टी एच ई बन गया, टी एच ई तो नॉर्मल है, यहां एफ क्या हो गया, डिलीट, बचा क्या, ए टी, किसके साथ ज्वाइन होगा, सी के साथ, तो यहां जो
ट्रिपलेट वर्ड है, इसमें हमें एक जो है डिलीट हो गया, तो ए टी किसके साथ ज्वाइन हुआ, सी के साथ, ए टी सी बना। यहां क्या बचा, ए टी, तो ये किसके साथ मिले, इस वाली के साथ बनाया ए टी ए। बचा कौन, टी ई, किसके साथ मिले, इस वाले टी के साथ, क्या बनाया टी ई टी। यहां कौन बचा, एच ई, किसके साथ मिला, आर के साथ, क्या बना, एच ई आर। लास्ट में कौन बचा, ए टी। तो आप देखिए यहां दूसरी वाली एग्जांपल में सिर्फ एक लेटर को डिलीट करने से अगेन द सीक्वेंस गेट्स चेंज्ड, द ए टी सी, ए टी ए टी ई टी, हर ए टी। सो इसका भी कोई मीनिंग नहीं रहता है। सो चाहे हम एक लेटर को ऐड करेंगे या चाहे हम एक लेटर को डिलीट करेंगे, इससे जो पूरी सीक्वेंस है सेंटेंस की वो चेंज होती है, वो बन जाती है मीनिंगलेस, उसका कोई सेंस नहीं है, नॉन सेंस बनता है, मीनिंगलेस बन जाता है। तो इसे हम क्या आते हैं, डिलीशन। तो चाहे हम यहां पे एडिशन करेंगे या इंसर्शन करेंगे या फिर क्या करेंगे, डिलीशन, इससे पूरे सेंटेंस की जो रीडिंग है, सीक्वेंस है, सेंस है, वो चेंज हो जाती है। इसी म्यूटेशन को हम बोलते हैं फ्रेम शिफ्ट या गिबरिश म्यूटेशन। सो फ्रेम शिफ्ट और गिबरिश म्यूटेशन इज दैट म्यूटेशन जहां आप क्या करो, आप कोई बेस, आप कोई लेटर रिप्लेस नहीं कर रहे हो, बल्कि या तो आप एड करोगे या फिर आप डिलीट करोगे, या तो आपने एक लेटर को घुसा दिया या फिर आपने एक लेटर को डिलीट किया, आपने एक लेटर को इंसर्ट किया या आपने एक लेटर को डिलीट किया, पूरी जो सेंटेंस की सीक्वेंस है वो चेंज हो जाती है। सो दिस इज अ फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। तो इससे क्या होता है, इस फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन की वजह से जो रीडिंग होती है किसकी, पूरे जीन की, तो जीन की पूरी रीडिंग चेंज हो जाती है। अब जरा यही अगर ट्रिपलेट कोडॉन एक जीन में होगा, अब सपोज अगर यही ट्रिपलेट कोडॉन कहां पे होगा, एक जीन में होगा, तो व्हाट विल हैपन, अगर उस जीन में हमने एक न्यूक्लियोटाइड को ऐड किया या हमने एक न्यूक्लियोटाइड को डिलीट किया, अगर हमारे पास कोई जीन है, उस जीन में हमने एक न्यूक्लियोटाइड को ऐड किया या हमने एक न्यूक्लियोटाइड को रिमूव किया, उससे क्या होगा, पूरे जीन की सीक्वेंस जो है वो चेंज होगी, पूरे जीन का जो सेंस है वो चेंज होगा, पूरे जीन का जो मीनिंग है वो चेंज होगा। तो इससे क्या होगी, कंप्लीट रीडिंग जो फ्रेम की है वो चेंज होगी। और इतना ही नहीं, सारे अमीनो एसिड यानी कि उस सीक्वेंस में, उस जीन में जितने भी अमीनो एसिड कोड हो जाते, वो सारे अमीनो एसिड जो है वो चेंज हो जाएंगे। सो दैट मीन जो हमें प्रोटीन मिलेगा वो प्रोटीन डेफिनेटली नए अमीनो एसिड का बनेगा। सो यहां पे एक अमीनो एसिड चेंज नहीं होता, जैसे हमने पढ़ा था सबस्टिट्यूशन में, यहां सारे अमीनो एसिड चेंज होंगे, तो पूरे प्रोटीन के सारे अमीनो एसिड क्या होंगे, चेंज। तो जो नया प्रोटीन बनेगा, गॉड फॉर गॉड नोज कि वो प्रोटीन बनेगा या नहीं बनेगा, या क्या पता वो क्या बनेगा, या क्या पता उस नए प्रोटीन के बनने से क्या वो लीथल भी हो सकता है, एक एनिमल, एक ऑर्गन की मौत भी हो सकती है, या वो प्रोटीन काम ही नहीं करेगा, वो प्रोटीन एसेंशियल होगा तो ऑर्गेनिज्म की डेथ हो सकती है। इसीलिए जो प्रोटीन बना उसके सारे अमीनो एसिड के चेंज होने से प्रोटीन का सेंस ही नहीं रहेगा, और उसकी वजह से यह भी हो सकता है या तो वह प्रोटीन पूरी तरह से एबसेंट रहेगा, तो हमारे बॉडी में वो प्रोटीन होगा नहीं, वो प्रोटीन कोई हार्मोन हो सकता है, वो प्रोटीन कोई एंजाइम हो सकता है, वो प्रोटीन न्यूरोट्रांसमीटर हो सकता है, वो प्रोटीन ग्रोथ फैक्टर हो सकता है, वो प्रोटीन कुछ भी हो सकता है जिसकी हमें अशद जरूरत है, नेसेसरी है, और अगर वो नहीं होगा तो इससे क्या होगा, इससे हमारी बॉडी में डिजीज होंगी, एंड इवन एक ऑर्गेनिज्म के लिए ये वाली म्यूटेशन लिथल भी हो सकती है। तो डिजायर प्रोटीन नॉट फॉर्मड, ए न्यू प्रोटीन फॉर्मड, और इससे क्या है, मोर हार्मफुल। जो ये वाली म्यूटेशन है ये पहले वाले से ज्यादा हार्मफुल है, क्योंकि जो सबस्टिट्यूशन है वहां पे आप सिर्फ एक कोडॉन चेंज हो जाता है, तो जब वहां पे सिर्फ एक कोडॉन चेंज होता है तो उसमें सिर्फ एक ही एमिनो से चेंज होगा, रेस्ट ऑफ द एमिनो सेम होंगे, तो ऐसे प्रोटीन में डिफेक्ट रहेगा, लेकिन प्रोटीन तो कम से कम प्रेजेंट होगा, वो कंडीशन बेस्ड डिसऑर्डर होगा, जैसे सिकल सेल एनीमिया, वो कंडीशन बेस्ड होगा, इंसान की मौत नहीं होगी, इंसान की डेथ नहीं होगी, लेकिन जो फ्रेम शिफ्ट या गिबरिश म्यूटेशन है, यहां तो पूरा प्रोटीन ही एब्सेंट होगा, इसमें इंसान लिथल भी हो सकता है या उस प्रोटीन के एब्सेंट होने से उसके हार्म और हार्श कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं। इस वाले जो फ्रेम शिफ्ट के म्यूटेशन, इसके भी दो टाइप्स है, पहले जो मैंने अभी बोला डिलीशन, जैसे मैंने पहले वाले में देखा डिलीशन,
कि एक न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, डिलीट, तो रिमूवल ऑफ वन और मोर नाइट्रोजनस बेसिस। तो एक या एक से ज्यादा, नॉर्मली एक ही होता है, लेकिन एक या एक से ज्यादा जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं या नाइट्रोजनस बेस होते हैं वो जब रिमूव होंगे, डिलीट होंगे, उसे हम बोलते हैं डिलीशन। तो एडिशन और इंसर्शन मीन्स जब एक या एक से ज्यादा न्यूक्लियोटाइड्स एड होंगे, ठीक है, इसे हम बोलते हैं इंसर्शन और एडिशन। इसकी जो ये दोनों जो टाइप्स है जीन म्यूटेशन के, चाहे सबस्टिट्यूशन थे या चाहे फ्रेम शिफ्ट या गिबरिश म्यूटेशन है, ये पहली बार जो ये म्यूटेशन है ये देखा गया एक शीप है, एनकॉन शीप या हॉर्नलेस कैटल, ये पहली बार उन्हीं में देखा गया है, एक है एनकॉन शीप और दूसरा है हॉर्नलेस कैटल। आगे चलकर जब हम डिसऑर्डर्स देंगे, जब हम डिजीज देंगे इसी वाले चैप्टर में, तो वहां पर यह सब डिस्कस किया जाएगा। नेक्स्ट बेटा, हम एक ट्रिक याद रखेंगे, क्योंकि अब तो हमने जीन म्यूटेशन कंप्लीट किया है, तो नीट पर्सपेक्टिव के लिए हम एक ट्रिक याद रखेंगे कि किस तरीके से हम क्रोमोसोमल म्यूटेशन और जीन म्यूटेशन की ट्रिक को याद रखेंगे। तो एक ट्रिक, मैं आपको एक मेमोनिक बोलूंगा, एक ट्रिक बोलूंगा, जिससे आप लोग क्रोमोसोमल एब्रेशन को और जीन म्यूटेशन को याद रखोगे। आपको पहले पता होना चाहिए कि कौन कौन सा म्यूटेशन है। कल को अगर हम पढ़ेंगे कोई जेनेटिक डिसऑर्डर, क्योंकि एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि कौन सी डिसऑर्डर, किस कौन से टाइप का म्यूटेशन है, तो बच्चे में क्योंकि बहुत सारे टाइप्स हैं तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसलिए हम इसके लिए ट्रिक बनाएंगे जिससे हमें ये पता चलेगा कि कौन सी म्यूटेशन और कौन सी म्यूटेशन है। और इतना ही नहीं, अगर कल को कोई जेनेटिक, जैसे मैं आपको बोलूंगा सिकल सेल एनीमिया, आपको पता होना चाहिए कि ये जीन म्यूटेशन है या ये सबस्टिट्यूशन म्यूटेशन है। इस तरह फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कौन होगा, इसी तरह अगर क्रोमोसोम म्यूटेशन तो कौन है। जैसे अगर आपको कोई आ जाएगा कोई भी डिसऑर्डर, कोई डिजीज एग्जाम में तो आपके इतना टाइम नहीं है कि आप सोचोगे घंटा, एग्जाम में टाइम ऑलरेडी कम होता है, तो आपको ट्रिक याद होनी चाहिए, सो दैट यू शुड नो कि अगर ये डिसऑर्डर आया है ये कौन सा टाइप ऑफ म्यूटेशन है। इसके लिए हम आपको कॉमर्स सिखाएंगे। मुझे पता है मेरे बच्चों, आप लोगों ने बड़े दिल से, बड़े प्यार से, जज्बे इसार से आप लोगों ने साइंस स्ट्रीम लिया है, मेडिकल लिया है, तो यह हमारे इश्क की वजह से, हमारी मोहब्बत की वजह से आप लोगों ने साइंस लिया है। तो यहां पर मैं थोड़ा जो टर्म पढ़ा रहा हूं, ये मैं पढ़ा रहा हूं किसके है, कॉमर्स की। देखिए बेटा, अगर हमारे अकाउंट्स में, जो हमारा अकाउंट होता है, बैंक बैलेंस होती है, अगर उसमें मामूली कुछ गड़बड़ हो जाती है तो हमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को से मतलब पाला पड़ता है। तो यहां पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, मैंने एक सिंपल टर्म लिखा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का पहला जो वर्ड है आई, उसका टैक्स का वर्ड है टी, और उसका वर्ड है डिपार्टमेंट का डी। तो आप ध्यान से देखिए, पहले हम लेंगे क्रोमोसोमल एब्रेशन। तो यहां पहला वर्ड क्या गया, आई टी डी टू, आई टी डी टू। आई स्टैंड फॉर इन्वर्जन, ठीक है, क्रोमोसोम म्यूटेशन। टी स्टैंड फॉर ट्रांसलोकेशन, क्रोमोसोमल म्यूटेशन। डी टू, डी स्टैंड फॉर डिलीशन एंड डिप्लीकेशन। तो जो क्रोमोसोमल एब्रेशन के चार म्यूटेशन है, डिलीशन, डिप्लीकेशन, इन्वर्जन, ट्रांसलोकेशन, उसको याद रखने के लिए कुछ नहीं, आपको रखना है याद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। आई स्टैंड फॉर इन्वर्जन, टी स्टैंड फॉर ट्रांसलोकेशन, एंड डी टू स्टैंड फॉर डिलीशन एंड डिप्लीकेशन। तो एक छोटी सी ट्रिक है जिसे आप क्रोमोसोमल एब्रेशन याद रखोगे। उसके बाद जीन म्यूटेशन, यही फॉर्मूला आई टी डी, लेकिन पहले में आपने डी टू लिया था, तो यहां पे आप टी का ले लोगे टू। तो आप आई स्टैंड फॉर इंसर्शन, अभी हमने पढ़ा जीन म्यूटेशन में, हमने अभी पढ़ा इंसर्शन जब हम एडिशन करते हैं, ठीक है। और टी टू मीन्स ट्रांजिशन या ट्रांसवर्जन, वो भी हमने अभी पढ़ा। ट्रांस मीन्स जब प्यूरिन इज रिप्लेस्ड बाय प्यूरिन, पायरिमिडिन इज रिप्लेस्ड बाय पायरिमिडिन। ट्रांसवर्जन व्हेन प्यूरिन इज रिप्लेस्ड बाय पायरिमिडिन एंड वाइस वर्सा। उसके बाद डी स्टैंड्स फॉर डिलीशन, अभी हमने पढ़ा ना कि अगर हम एक न्यूक्लियोटाइड को एड करेंगे, इंसर्शन, अगर हम एक न्यूक्लियोटाइड को डिलीट करेंगे, दैट इज डिलीशन। सो एक ट्रिक थी ये याद रखने के लिए कि क्रोमोसोमल एब्रेशन या जो जीन म्यूटेशन है उनकी लिए जो एक ट्रिक है उनको कैसे याद रखा जाएगा। आपको तो पहले कम से कम पहले यह पता होना चाहिए कि कौन सा क्रोमोसोमल एब्रेशन है और कौन सा जीन म्यूटेशन है। तो उसके लिए हमने एक लाइन बोली, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, इनकम का वर्ड आई स्टैंड्स फॉर इन्वर्जन, टी स्टैंड्स फॉर ट्रांसलोकेशन, एंड डी टू स्टैंड्स फॉर डिलीशन डिप्लीकेशन। ये आ गया क्रोमोसोमल एब्रेशन। जीन म्यूटेशन में वही आई टी स्क्वायर डी, यानी कि टी स्क्वायर, तो टी टू मतलब यहां पे आई स्टैंड्स फॉर इंसर्शन, टी फॉर ट्रांजिशन ट्रांसवर्जन, और डी स्टैंड्स फॉर डिलीशन। दैट वॉज ऑल अबाउट द ट्रिक।
नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब एक फ्लो चार्ट हमने यहां पे बनाया है। फ्लो चार्ट जो है, इससे आपको पता चलना चाहिए कि म्यूटेशन है कौन कौन सी और उस म्यूटेशन से कौन कौन सा जेनेटिक डिसऑर्डर है, क्योंकि आगे वाले टॉपिक में हमें क्या पढ़ना है, जेनेटिक डिसऑर्डर्स। तो जेनेटिक डिसऑर्डर्स को याद, देखिए ये वहां नीट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब भी कोई जेनेटिक डिसऑर्डर आ जाएगा वहां पूछा जाएगा, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपसे पूछा जाएगा क्राइडोचेट सिंड्रोम है क्या, तो आपको पहले सोचना है शायद डिलीशन, शायद डिप्लीकेशन, ये कौन सी बला है, तो वो सोचते सोचते आप कंफ्यूज हो जाओगे क्योंकि बहुत सारे म्यूटेशन टाइप्स है। तो इसके लिए भी हम एक फ्लो चार्ट बनाएंगे जिससे हमें कम से कम पता चलेगा कि कौन सी म्यूटेशन है और उसमें कौन सी जेनेटिक डिसऑर्डर हो जाती है। तो हमने दो म्यूटेशन लिए, एक है क्रोमोसोम म्यूटेशन, दूसरा क्या है, जीन म्यूटेशन। इस वाले पेज पे चूंकि जगह कम थी, मैं लिखूंगा मैं पहले दिखाऊंगा क्रोमोसोमल म्यूटेशन। अगर चूंकि नॉर्मल सी होती बोर्ड होता तो मैं उस पर सारा पूरा दिखाता, तो यहां पहले मैंने दिखाया क्रोमोसोमल म्यूटेशन। और आपको पता ही है क्रोमोसोम म्यूटेशन के दो टाइप्स है, एक है क्रोमोसोमल एब्रेशंस और दूसरा क्या है, जीनोमैटिक म्यूटेशन। तो पहले हम लेंगे क्रोमोसोमल एब्रेशन, किसे बोलते हैं, शाबाश बेटा बच्चा आपने पढ़ा है, चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ ए क्रोमोसोम। जब एक क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर चेंज होगा वही कॉल्ड इज अ क्रोमोसोमल एब्रेशंस। इसके दो टाइप्स है, इंट्राक्रोमोसोमल या इंटरक्रोमोसोमल, इंट्राक्रोमोसोमल या इंटरक्रोमोसोमल, या तो होगा विद इन द क्रोमोसोम या बिटवीन द क्रोमोसोम। तो जैसे अगर देखिए इंट्रा मीन जब एक ही क्रोमोसोम में होगा विद इन द क्रोमोसोम, इंटर क्रोमोसोम जब दो क्रोमोसोम्स के बीच में होंगे, दो डिफरेंट क्रोमोसोम्स। तो यहां देखिए इसमें क्या क्या आता है, इंट्रा में डिलीशन और डिफिशियंसी, डिलीशन एंड डिफिशियंसी, और दूसरा क्या है, इन्वर्जन। जब कोई चीज डिलीट होगा ये एक ही क्रोमोसोम में होगा, जब उसमें इन्वर्जन होगा वो भी सेम क्रोमोसोम में होगा। सो दिस इज इंट्रा क्रोमोसोमल। सेकंड वन इज इंटर क्रोमोसोमल, ये डुप्लीकेशन होती है, जब एक क्रोमोसोम से कोई चीज डिलीट होगा वो किसी दूसरे क्रोमोसोम में एड होगा, दैट्स अ डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन तब होगी जब पहले किसी क्रोमोसोम से कोई चीज टूटेगा, कोई सिग्नल ब्रेक होगा। सो व्हेन अ सिग्नल ब्रेक्स फ्रॉम वन क्रोमोसोम इट गेट्स एडेड टू अदर क्रोमोसोम, दिस इज नोन एज डुप्लीकेशन। तो इन्वॉल्व हो गए एक से ज्यादा क्रोमोसोम। उस तरह ट्रांसलोकेशन, एक सेगमेंट जो है दो क्रोमोसोम के बीच में एक्सचेंज होता है, इंट्रा क्रोमोसोमल। तो इसमें हमने क्या क्या पढ़ा है, इसमें हमने एक डिसऑर्डर, एक डिजीज पढ़नी है, इसमें हमें क्राइडोचेट सिंड्रोम, जो फाइव पी डिलीशन है, पी स्टैंड्स फॉर शॉर्ट आर्म, यानी कि शॉर्ट आर्म क्रोमोसोम फाइव की शॉर्ट आर्म की डिलीशन है, वोल्फ हर्श हॉर्न सिंड्रोम, वोल्फ हर्श हॉर्न सिंड्रोम। ये क्या है, क्रोमोसोम फोर जो है उसके शॉर्ट आर्म की डिलीशन है। उसके बाद बुर्किट लिम्फोमा, CML, क्रोनिक माइलोजेनिक लिकीमिया या क्रोनिक माइलॉइड लिकीमिया, और फैमिलियर डाउन सिंड्रोम। ये तीनों जो आते हैं ये किसकी वजह से, ट्रांसलोकेशन की वजह से। उसके बाद ये था क्रोमोसोमल म्यूटेशन का। उसके बाद हम लेंगे जीनोमैटिक म्यूटेशन, वर्ज जीनोमैटिक म्यूटेशन जिसमें नंबर चेंज होगा, यानी कि क्रोमोसोम का नंबर चेंज होगा। इसके दो टाइप्स है, यूप्लाइडी एंड एन्यूप्लाइडी। यूप्लाइडी तो इन एनिमल्स में नहीं होता, इसे प्लांट्स में होता है, वहां तो ये प्लांट्स के लिए ये सोने पे सुहागा, यानी कि प्लांट्स के लिए तो ये अच्छी बात है, तो वहां पे कोई डिसऑर्डर हम नहीं लेंगे। लेकिन एन्यूप्लाइडी इज अ डिसऑर्डर इन ह्यूमंस। तो यहां एन्यूप्लाइडी में क्या होता है, दो तरह क्या है, एक होता है ऑटोजोम, दूसरा होता है सेक्स क्रोमोसोम। जैसे अगर आपको पता है अगर ऑटोजोम में कोई नंबर चेंज होगा, यानी कि ऑटोजोम्स का नंबर चेंज होगा, जैसे डाउन सिंड्रोम इज अ ट्राइसोमी ऑफ 21, यानी कि पुष्य नंबर 21 पे दो क्रोमोसोम के बजाय तीन होता है, इसे बोलते हैं डाउन सिंड्रोम, ट्राइसोमी ऑफ 21। इसी तरह पेटायू सिंड्रोम, यह होता है ट्राइसोमी ऑफ 13। एडवर्ड सिंड्रोम, ट्राइसोमी ऑफ 18, यानी कि 13 या 18 पे दो क्रोमोसोम के बजाय एक और होता है, तीन तीन क्रोमोसोम। सो यह ऑटोसोमल डिसऑर्डर है। इसी तरह सेक्स क्रोमोसोम में क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, जहां पे एक्स एक्स वाई होता है, तीन क्रोमोसोम है, तीन सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। टर्नर सिंड्रोम, इट्स अ मोनोसोमी, जहां पे एक ही सेक्स क्रोमोसोम होता है एक्स। जैकॉब सिंड्रोम जो होता है एक्स वाई वाई, ये एक्चुअली सुपर मेल है, तो इट मींस यहां पे तीन सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। सुपर फीमेल, व्हाट्स अ सुपर फीमेल, यहां पे तीन सेक्स क्रोमोसोम होते हैं एक्स एक्स एक्स, तो इसको बोलते हैं सुपर फीमेल। नेक्स्ट ये हम फ्लो चार्ट देंगे आप किसका, जीन म्यूटेशन का। ध्यान से देखिए जीन म्यूटेशन, देखिए यहां पे हम देख रहे हैं जीन म्यूटेशन की जो हम क्लासिफाई कर रहे हैं, ये हम डिपेंड कर रहे हैं किस पे, ऑन द बेस ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर, यानी कि वो म्यूटेशन जिसकी वजह से जेनेटिक डिसऑर्डर होगा। तो यहां मैंने दिखाया है सबस्टिट्यूशन, ट्रांजिशन या ट्रांसवर्जन,
इसी तरीके से फ्रेम शिफ्ट डिलीशन या डिप्लीकेशन। तो जो जीन म्यूटेशन है ये ऑटोसोमल है और दूसरा क्या है सेक्स लिंक्ड है, यानी कि ये ऑटोसोमल क्रोमोसोम जो ऑटोसोम क्रोमोसोम है उनमें अगर जीन की म्यूटेशन होगी और जो सेक्स क्रोमोसोम्स है जैसे एक्स और वाई उनके जीन्स की जब म्यूटेशन होगी तो पहले हम क्या लेंगे ऑटोसोमल। तो ऑटोसोमल में जो जीन है वो दो तरह के हो सकते हैं, एक होगा रिसेसिव जीन दूसरा होगा डोमिनेंट जीन। जीन या तो रिसेसिव होगा या फिर डोमिनेंट होगा। अगर रिसेसिव जीन है यानी कि अगर हमारे पास एक रिसेसिव जीन उसकी म्यूटेशन हुई है, अगर एक ऑटोसोम है जैसे ऑटोसोम में क्रोमोसोम 1 क्रोमोसोम 4 क्रोमोसोम 5 क्रोमोसोम 8 क्रोमोसोम 11 ये ऑटोसोम है उनके अंदर जीन्स है, अगर वो जीन रिसेसिव है यानी कि अगर वो जीन बने ही नहीं या रिसेसिव रह गई या अगर उनकी एक्सप्रेशन नहीं होगी यानी कि अगर वो खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाए, यानी कि ऑटोसोम के अंदर एक जीन है उस जीन ने खुद को एक्सप्रेस ही नहीं किया यानी कि दैट जीन फेल्स टू एक्सप्रेस, वो जो ऑटोसोम के अंदर जीन है दैट जीन फेल्स टू एक्सप्रेस, वो खुद को एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहा है तो उसकी वजह से उसको हम बोलते हैं ऑटोसोमल रिसेसिव जीन म्यूटेशन। यानी कि ये जीन म्यूटेशन ही है, म्यूटेशन कौन सी है जीन की लेकिन किन की ऑटोसोम्स की और जीन खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। तो इसमें कौन कौन से डिसऑर्डर में पढ़ने एल्कप्टोन्यूरिया फिनालकीटोन्यूरिया एल्बिनिज्म टेसेक्स डिजीज गोचर्स डिजीज सिकल एसी स्टैंड्स फॉर सिकल सेल एनीमिया थैलेसीमिया सिस्टिक फिब्रोसिस विल्सन डिजीज एनोपथेलमिया एंड फ्यूज्ड ईयर लोब्स। ये यहां पे जो ऑलमोस्ट 11 डिजीज है ये सारे रिसेसिव है, ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है लेकिन है जीन म्यूटेशन। सो ये जो 11 है आपको इनके लिए मैं आपको ट्रिक भी बोलूंगा नेक्स्ट टॉपिक में, तो आपको ये याद रखने हैं और इन पे जब भी नीट में कोई क्वेश्चन आ जाएगा आपको पता होना चाहिए क्या ये ऑटोसोमल डिसऑर्डर है या सेक्स लिंक डिसऑर्डर है, क्या ये रिसेसिव ऑटोसोमल है कि डोमिनेंट ऑटोसोमल है। तो ये इंपॉर्टेंट है, यही एक्चुअली नीट में आते हैं। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां पर सिकल सेल एनीमिया, अगर वहां पूछा जाएगा सिकल सेल एनीमिया इज इट ऑटोसोमल रिसेसिव और ऑटोसोमल डोमिनेंट, इज इट सेक्स लिंक्ड ऑटोसोम रिसेसिव और सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट, तो ये सब जानना जरूरी है। इसके लिए इंशाल्लाह मैं आगे आपको नेक्स्ट टॉपिक में ट्रिक बोलूंगा जिससे ये सारी डिजीज याद रहेंगी। उसके बाद ऑटोसोम अगर डोमिनेंट यानी कि जीन होगा डोमिनेंट कंडीशन में एकोंड्रोप्लाजिया पॉलीडेक्टाइली मोर देन फिंगर जैसे ऋतिक रोशन को है 6 उंगलियां हैं जब किसी में एक से ज्यादा उंगलियां हैं, या ब्रैकीडेक्टाइली मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी ब्रैकीडेक्टाइली मीन जब नंबर ऑफ फिंगर्स कम होंगे 5 के बगैर 4 ही होंगे 3 ही होंगे, मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी यानी कि जो मसल है उसमें कंट्रैक्शन नहीं हो पाती है, या रोलर्स टंग एक डिजीज है टंग रोल नहीं हो पा रही है, पीटीसी पेपर टेस्टिंग यानी कि जो टेस्टिंग है वो नहीं हो पाती है, न्यूरोफिब्रोमेटोसिस यानी कि न्यूरॉन्स की जो है न्यूरॉन में डिसऑर्डर होता है, हंटिंगटन्स कोरिया हंटिंगटन्स कोरिया, उसके बाद एनिरीडिया ANIRIDIA एनिरीडिया, उसके बाद है वूली हेयर्स WOOLY वूली हेयर्स। ये सारे जो डिसऑर्डर है ये ऑटोसोमल है लेकिन डोमिनेंट वाले डिसऑर्डर्स है, ठीक है। तो ये आते हैं किसमें जीन म्यूटेशन में ऑटोसोमल। उसके बाद हमने ये इसी जीन म्यूटेशन का दूसरा सेक्स लिंक्ड यानी कि जब एक्स और वाई क्रोमोसोम्स में डिसऑर्डर होगा यानी कि जो एक्स और वाई में जीन्स हैं उनमें अगर कोई डिसऑर्डर होगा तो यहां पे हम देखेंगे पहले एक्स लिंक्ड दूसरा हम देखेंगे वाई लिंक्ड। एक्स लिंक्ड में पता ही होगा कलर ब्लाइंडनेस व्हेन अ पर्सन फेल टू परसीव कलर्स, हीमोफीलिया जब ब्लड क्लॉट ही नहीं होगा, नाइट ब्लाइंडनेस जब अंधेरे में दिखेगा ही नहीं, G6PD डिफिशेंसी है, इस तरह डुशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है बहुत ही पुरानी जेनेटिक डिसऑर्डर है जहां पे मसल कंट्रैक्ट नहीं कर पाता है डुशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ये सारे एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर्स है। इसी तरह वाई लिंक्ड में सिर्फ एक ही डिसऑर्डर है हाइपर ट्राइकोसिस, ये सिर्फ मेल्स को होता है यानी कि जो ईयर है ईयर पिना पे वहां पे सबसे ज्यादा जो है हेयर आते हैं ये सिर्फ मेल में होता है वाई लिंक्ड है। तो ये थे जीन म्यूटेशन का मैंने फ्लो चार्ट दिया कि किस तरीके से जीन म्यूटेशन जो है ये कैसे हमें देखना है कि इसमें कौन कौन सा डिसऑर्डर हमें पढ़ना है ऑटोसोमल रिसेसिव ऑटोसोमल डोमिनेंट सेक्स लिंक्ड एक्स लिंक्ड और वाई लिंक्ड। नेक्स्ट टॉपिक जो है मेरे बेटा वो है म्यूटेजन, यानी कि मैंने आपको बोला कि जो म्यूटेशन ये स्पॉन्टेनियस भी है या जो म्यूटेशन है ये इंड्यूस्ड भी है। तो जिन केमिकल्स की वजह से म्यूटेशन होगी हम उनको नाम देते हैं म्यूटेजन, हम उनको नाम क्या देते हैं म्यूटेजन। तो म्यूटेजन क्या है एक्चुअली ये कोई भी सेल्यूलर एक्स्ट्रा यानी कि सेल के बाहर कोई भी एजेंट जिसकी वजह से म्यूटेशन होगी, क्योंकि अगर सेल के अंदर ही कोई अपना होगा वो तो स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन होगा। तो इस तरीके से जब कोई सेल के बाहर से आ जाएगा
यानी कि अगर कोई घर के अंदर ही है वो तो अपना ही होगा, लेकिन अगर घर के बाहर से कोई बंदा आ गया है तो वह एक्सटर्नल। तो यहां अगर कोई चीज सेल के बाहर से आया है तो वही तो बन गया म्यूटेजन। अगर सेल के अंदर ही कोई कंपाउंडेंट है जिसकी वजह से म्यूटेशन होगी वो तो बन गया स्पॉन्टेनियस। सो वो केमिकल जो सेल के बाहर से आता है और जिसकी वजह से म्यूटेशन हो जाती है उसे हम बोलते हैं म्यूटेजन। तो म्यूटेजन जो है यहां पे हम दो तरह की दो एग्जांपल, एक है फिजिकल और दूसरा है केमिकल। तो जो फिजिकल है ये लोकलाइज्ड होता है, ये एक पर्टिकुलर जगह तक होता है, एक पर्टिकुलर लेवल तक होता है, ये पूरी बॉडी पे असर नहीं करेगा। ये जो फिजिकल म्यूटेशन है ये सिर्फ पर्टिकुलर पॉइंट पे अटैक करेगा, जहां पे ये होगा उसी जहां पे ये पड़ेगा उसी जगह पे ये इफेक्ट करेगा। लेकिन जो केमिकल है इससे पूरी बॉडी जो है इन्वॉल्व होती है। पहले हम लेंगे फिजिकल। फिजिकल में आते हैं दो चीजें, रेडिएशन और टेम्परेचर। जहां तक बात है रेडिएशन की, जो रेडिएशन है, रेडिएशन जो है इसमें पहली बार जे एच मुल्लर ने ये टर्म इंट्रोड्यूस की। जे एच मुल्लर ने क्या किया, उसने एक्सरे को इंड्यूस किया ड्रोसोफिला में, यानी कि जो ड्रोसोफिला है, क्योंकि जे एच मुल्लर एक होनहार, जैसे केल्विन ब्रिज, जैसे मैंने लास्ट में पढ़ाया था केल्विन ब्रिज, तो जे एच मुल्लर जो है ये भी एक स्टूडेंट था किसका, थॉमस एंड मॉर्गन का, ये भी काम करता था ड्रोसोफिला पे। तो इसने पहली बार ड्रोसोफिला को इंड्यूस किए रेडिएशन, एक्सरे इंड्यूस किए, तो जिसकी वजह से उनको म्यूटेशन हो गई। इसलिए हम मुल्लर को कहते हैं फादर ऑफ एक्टिनोलॉजी। देखिए वर्ड है फॉर, अब रेडियोलॉजी नहीं बोलना, एक्टिनोलॉजी। एक्टिनोलॉजी मींस जब हम किसी ऑर्गेनिज्म को हाई रेडिएशंस पेनिट्रेट, यानी कि जब हम किसी ऑर्गेनिज्म पे क्या डालेंगे, हाई रेडिएशंस, जब हम किसी ऑर्गेनिज्म को किससे ट्रीट करेंगे, हाई रेडिएशन से, उसको हम बोलते हैं एक्टिनोलॉजी। एंड जे एच मुल्लर इज अ फादर ऑफ एक्टिनोलॉजी। कुछ लोग बोलते हैं इज अ इंड्यूस म्यूटेशन, लेकिन इंड्यूस म्यूटेशन कौन सा, सिर्फ रेडिएशन वाले का, इज दैट क्लियर। और जो ये रेडिएशन है ये दो तरह के हैं, एक है आयोनाइजिंग रेडिएशन, दूसरा नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। पहले हम देखेंगे आयोनाइजिंग रेडिएशन, ये अल्फा बीटा गामा और एक्स रेज होते हैं। अल्फा रेज, गामा रेज, बीटा रेज, एक्स रेज, ये हाई एनर्जी वाले रेज है, ये इनमें एनर्जी बहुत ज्यादा होती है और उस एनर्जी की वजह से ये सीधे पेंट्रेट होते हैं, कहां, बॉडी में, स्किन को पेंट्रेट करते हैं, डीप टिश्यू में पहुंचते हैं, जिसकी वजह से उस टिश्यू के न्यूक्लियस में जो डीएनए होता है उस डीएनए को डैमेज करते हैं, वहां पर जो नाइट्रोजन बेस होती है उनमें करते हैं आयोनाइजेशन, जिसकी वजह से या तो क्रोमोसोम में एब्रेशन होती है या फिर जीन में क्या होती है, ट्रांजिशन। ध्यान से देखिए बेटा, आयोनाइजिंग रेडिएशन जो है ये हाई एनर्जी रेडिएशन जैसे अल्फा बीटा गामा और एक्सरेज है, ये पेंट्रेट होता है बॉडी के अंदर, ये टिश्यू तक पहुंचता है और टिश्यू के कहां, सेल्स, टिश्यू के न्यूक्लियस में पहुंचते हैं, यानी कि सेल्स के न्यूक्लियस में पहुंचते हैं और वहां पर क्रोमेटिन में जो क्रोमोसोम्स है उन्हें डैमेज करता है, तो क्रोमोसोमल एब्रेशन, या फिर क्रोमोसोम्स के अंदर, इवन कुछ रेडिएशन क्रोमोसोम के अंदर पहुंचते हैं तो जहां पर वो जीन्स के साथ छेड़खानी करते हैं जिसकी वजह से जीन म्यूटेशन होती है। तो आयोनाइजिंग रेडिएशन से क्रोमोसोमल एब्रेशन एज वेल एज जीन म्यूटेशन होती है। दूसरा है नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन, ये यूवी अल्ट्रावायलेट रेज होते हैं, इनकी एनर्जी बहुत कम होती है। ध्यान से देखिए बेटा, अल्ट्रावायलेट रेज जो है नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन, इनकी एनर्जी बहुत कम होती है, इसलिए इंसानी स्किन को पेनिट्रेट नहीं कर पाते हैं। जो अगर हम कभी अल्ट्रावायलेट रेज अपनी स्किन पर डालेंगे वो हमारे लिए हार्मफुल नहीं है, क्योंकि उनमें एनर्जी कम होती है और हमारी बॉडी को वो पेनिट्रेट नहीं करते हैं। लेकिन हां, जो छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको वो असर करते हैं, क्योंकि जो छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी जो स्किन होती है, उनकी जो कवरिंग होती है वो बिल्कुल थिन होती है, तो ये रेडिएशन इजिली पास ऑन होते हैं। इसलिए जब हम जाते हैं फॉर एग्जांपल ऑपरेशन थिएटर में क्या होता है, हम पहले वहां पे पूरे सामान को, पूरे उस रूम को हम क्या करते हैं, हम उसमें डालते हैं अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, सो दैट अगर वहां पे जर्म्स होंगे वो सारे जर्म्स की क्या हो जाएगी, किल हो जाएगी। तो हम वहां पे या कहीं पे भी हमें, अगर हमें फॉर एग्जांपल कहीं पे ऐसी जगह पे हमें यह इंश्योर करना है कि वहां पे पैथोजन ना हो, तो हम वहां पे उसको ट्रीट करते हैं किससे, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से, सो दैट वो इंसान को तो कुछ नहीं करेंगे लेकिन जो माइक्रो ऑर्गन्स है उनकी बॉडी को पेनिट्रेट करके उन्हें किल करेंगे। अब दूसरा जो है वो है केमिकल म्यूटेजन्स। तो केमिकल म्यूटेजन्स क्या है, ये पूरी बॉडी में स्प्रेड हो जाते हैं, यानी कि इनके लेने के बाद ये पूरी, यानी कि ये किसी पर्टिकुलर जगह पे नहीं तो पूरी बॉडी में फैलते हैं। ये ज्यादा हार्मफुल है एज कंपेयर टू फिजिकल। फिजिकल भी हार्मफुल है लेकिन केमिकल उससे ज्यादा है।
और केमिकल में कौन कौन सा म्यूटेजन है, इसे याद रखने के लिए मुझे ढाबे की याद आ गई। मुझे याद है जब मैं बाहर गया था एक बार दिल्ली, तो वहां पे मैंने बहुत सारे लोगों को देखा जो सुबह ऑफिस जाते थे रनिंग में, तो थे वो अक्सर मैंने देखा स्टूडेंट्स को देखा। जैसे मुझे याद है मैं मुखर्जी नगर गया था जहां पे आईएएस की कोचिंग होती है, तो मैंने वहां पे बहुत सारे बच्चों को देखा रनिंग में, वो ढाबे पे उठते हैं और एक चाय लेते हैं तो पीते हैं। तो एक बार मुझे जो मेरा दोस्त था उसने भी मुझे लिया, तो उसने मुझे ढाबे की चाय पिला दी, जो 10 रुपए की चाय उसने पिला दी। मुझे लगता था उसमें इतना मजा था, उतना मजा 200 रुपए वाली चाय को नहीं मिलेगा किसी बड़े वाले होटल में। तो चूंकि जो वहां पे स्टूडेंट्स थे उनकी इकोनॉमिक कंडीशन इतनी स्ट्रांग नहीं होती कि किसी बड़े होटल में जाएंगे चाय पीने के लिए, तो चाय पीने के लिए वो ढाबे पे जाते हैं। तो यहां पे चाय एट ढाबा, चलिए आज हम जाएंगे कहां पे, ढाबे पे क्या जाएंगे, चाय पीने के लिए। चाय का जो सी वर्ड है पहला, इट स्टैंड्स फॉर केमिकल। तो यहां पे जो सी है, चाय का सी है, इट स्टैंड्स फॉर केमिकल म्यूटेजन। और ढाबा में कितने आ गए, 5, DHABA, ये 5 लेटर्स है। तो ये 5 लेटर्स हम वन बाय वन स्टडी करेंगे कि ये कौन कौन से केमिकल म्यूटेजन है। तो पहला वर्ड ढाबा का पहला लेटर क्या है, डी स्टैंड्स फॉर डीएमाइनेटिंग एजेंट। वर्ड वही से कहता है डीएमाइनेटिंग, यानी कि हमें क्या करना है, एमाइन ग्रुप को निकालना है। तो वो एजेंट्स, वो केमिकल जो एक एमाइन ग्रुप को रिमूव करेंगे, उन्हें हम बोलते हैं डीएमाइनेटिंग एजेंट। तो जब एक एजेंट, एक कंपाउंड, एक सबस्टेंस एमाइन ग्रुप को निकालेगा कहां से, नाइट्रोजनस बेस से। जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, जो जो वहां पे नाइट्रोजनस बेस होती है, जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, जब हम उनमें से क्या निकालेंगे, एक एमाइन ग्रुप, उसे हम बोलते हैं डीएमाइनेटिंग एजेंट। इसकी बेस्ट एग्जांपल कौन है, नाइट्रस एसिड, HNO2, नाइट्रस एसिड। सपोज अगर हम किसी ऑर्गेनिज्म को ट्रीट करेंगे किससे, नाइट्रस एसिड से, तो व्हाट विल हैपन, जैसे साइटोसिन है, साइटोसिन में नाइट्रस एसिड के ऐड होने से, यानी कि अगर हम नाइट्रस एसिड ऐड करेंगे, व्हाट विल हैपन टू साइटोसिन, उसका एमाइन ग्रुप रिमूव होगा। ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने क्या ऐड किया, नाइट्रस एसिड, तो एमाइन ग्रुप क्या हुआ, लॉस, साइटोसिन में से हमें क्या लॉस हुआ, एमाइन ग्रुप। तो ये किस में कन्वर्ट हुआ, ये बन गया यूरैसिल। तो साइटोसिन किस में कन्वर्ट हो गया, यूरैसिल में। कब, जब हमने नाइट्रस एसिड ऐड किया, क्योंकि उसने क्या किया, डीएमाइनेशन। उससे पहले जो साइटोसिन है किससे बॉन्ड करता, गुआनीन से, लेकिन जब उसका एमाइन ग्रुप रिमूव हुआ वो क्या बन गया, यूरैसिल। तो यूरैसिल किससे पेयर करेगा, एडिनिन से। तो यहां पे किसको आना था, गुआनीन को, उसे किसने रिप्लेस किया, एडिनिन ने। एडिनिन और गुआनीन किस में आते हैं, प्यूरीन में। तो एडिनिन भी प्यूरीन, गुआनीन भी प्यूरीन, सो यहां पे प्यूरीन को रिप्लेस करता है प्यूरीन। सो दिस इज अ ट्रांजिशन टाइप ऑफ म्यूटेशन, इज दैट क्लियर। सो नेक्स्ट एग्जांपल, हमने नाइट्रस एसिड ऐड किया गुआनीन को, तो गुआनीन किसके साथ पेयर करता है, साइटोसिन के साथ। लेकिन जब हमने गुआनीन को क्या ऐड किया, नाइट्रस एसिड, NH2 रिमूव हुआ, किसमें कन्वर्ट हुआ, ज़ेंथाइन में। तो जब ये ज़ेंथाइन बन गया, ज़ेंथाइन पेयर किसके साथ करेगा, साइटोसिन के साथ, ठीक है। ज़ेंथाइन किसके साथ पेयर करेगा, साइटोसिन के साथ। तो जब ज़ेंथाइन साइटोसिन के साथ पेयर करेगा, यहां गुआनीन के साथ कौन पेयर करता है, साइटोसिन, यहां ज़ेंथाइन के साथ कौन पेयर करता है, साइटोसिन। तो साइटोसिन को किसने रिप्लेस किया, साइटोसिन ने। तो यहां कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नो चेंज। नेक्स्ट, अगर हम एडिनिन को एड करेंगे नाइट्रस एसिड, तो व्हाट विल हैपन, एडिनिन किस में डीएमाइनेशन होगी, किस में कन्वर्ट होगा, हाइपोज़ेंथाइन में। यानी कि एडिनिन का भी क्या लॉस होगा, NH2। तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, हाइपोज़ेंथाइन में। तो जब ये हाइपोज़ेंथाइन में कन्वर्ट हो गया, हाइपोज़ेंथाइन किसके साथ पेयर करेगा, साइटोसिन के साथ। यहां पे एडिनिन को किसके साथ पेयर करना था, थायमिन के साथ, लेकिन नाइट्रस एसिड के ऐड होने से एडिनिन किस में कन्वर्ट हो गया, हाइपोज़ेंथाइन में। अब हाइपोज़ेंथाइन किसके साथ पेयर करेगा, साइटोसिन के साथ। तो साइटोसिन को थायमिन को किसने रिप्लेस किया, साइटोसिन ने। थायमिन किस में आता है, पायरिमिडीन में। साइटोसिन भी किस में आता है, पायरिमिडीन में। तो यहां पायरिमिडीन को किसने रिप्लेस किया, पायरिमिडीन ने। ये भी क्या है, ट्रांजिशन। सो ये पहला टाइप था डीएमाइनेटिंग एजेंट्स का, कि जब हम डीएमाइनेटिंग एजेंट लाइक नाइट्रस एसिड ट्रीट करेंगे नाइट्रोजनस बेसिस के साथ, तो उनमें क्या होती है, डीएमाइनेशन, वो नाइट्रोजनस बेस किसी दूसरे में चेंज होंगे और उनसे कौन सा टाइप ऑफ म्यूटेशन होगा। अब ढाबा का एच, एच स्टैंड्स फॉर हाइड्रोक्साइलेटिंग एजेंट्स। जैसे एग्जांपल हाइड्रो, जब हम हाइड्रोक्साइलेशन करते हैं, तो अगर हमारे पास एक कंपाउंड है हाइड्रोक्साइल एमाइन, तो हम जैसे साइटोसिन को हम किससे ट्रीट करेंगे, हाइड्रोक्साइल एमाइन के साथ। तो जो साइटोसिन है किसमें कन्वर्ट होगा, हाइड्रोक्सी साइटोसिन। रिमेंबर यहां पे साइटोसिन,
उसे मैंने ऐड किया, किसके साथ ट्रीट किया, हाइड्रोक्साइल एमाइन, एक हाइड्रोक्साइलेटिक एजेंट है, तो हाइड्रोक्साइल एमाइन के ऐड करने से जो साइटोसिन है वो किस में कन्वर्ट होगा, वो कन्वर्ट हो गया हाइड्रोक्साइटोसिन में। तो जब हाइड्रोक्साइटोसिन बना ये किसके साथ पेयर करेगा, एडिनिन के साथ। नॉर्मली साइटोसिन किसके साथ पेयर करता, ग्वानिन के साथ, लेकिन हाइड्रोक्साइल एमाइन के ट्रीट करने से साइटोसिन किस में कन्वर्ट हुआ, हाइड्रोक्साइटोसिन में। तो हाइड्रोक्साइटोसिन अब किसके साथ पेयर करेगा, एडिनिन के साथ। तो यहां साइटोसिन को किसके साथ पेयर करना था, ग्वानिन, जो प्यूरीन है, लेकिन यहां किसके साथ पेयर करेगा, एडिनिन के साथ। तो ग्वानिन को किसने रिप्लेस किया, एडिनिन ने। प्यूरीन को किसने रिप्लेस किया, प्यूरीन ने। सो दिस इज अ ट्रांजिशन टाइप ऑफ म्यूटेशन। तो हाइड्रोक्साइलेटिक एजेंट जैसे हाइड्रोक्साइल एमीन के ऐड करने से साइटोसिन कन्वर्ट हुआ हाइड्रोक्साइटोसिन में। तो जब हाइड्रोक्साइटोसिन बना वो पेयर करता है एडिनिन के साथ। नॉर्मली साइटोसिन अगर होता तो ग्वानिन के साथ पेयर करता, लेकिन जब हाइड्रोक्साइटोसिन आ गया इसने किसके साथ पेयरिंग की, एडिनिन के साथ। सो हेंस एडिनिन ने ग्वानिन को किसने रिप्लेस किया, एडिनिन ने। दिस इज अ ट्रांजिशन टाइप ऑफ म्यूटेशन। नेक्स्ट डाबा का क्या आ जाएगा, ए। तो डाबा का ए आ जाएगा, दिस इज एल्काइलेटिंग एजेंट्स। वर्ड क्या है, एल्काइलेटिंग एजेंट्स। एंड मेरे बच्चों यहां पे आपको ये याद रखना बहुत जरूरी है, इसकी एग्जांपल क्या है, मस्टर्ड गैस। तो जो मस्टर्ड गैस है इसे पहली बार ऑरबैक ने बनाया वर्ल्ड वॉर सेकंड में। एक केमिकल म्यूटेजन है जिसको पहली बार यूज किया गया वर्ल्ड वॉर सेकंड में, ऑरबैक ने इसको वर्ल्ड वॉर सेकंड में यूज किया था। इसी तरह एक और है एल्काइलेटिक है जिसका नाम है डीएमएस डाइमिथाइल सल्फेट या डीईएस डाइईथाइल सल्फेट। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां पर ग्वानीन है, यहां पे ग्वानिन है। तो हमने ग्वानिन को किसके साथ ट्रीट किया, एल्काइलेटिक एजेंट, सपोज डीईएस के साथ या डीएमएस के साथ या फिर मस्टर्ड गैस के साथ। तो ये किस में कन्वर्ट होता है, इथाइल ग्वानिन में। तो जब ग्वानिन कन्वर्ट हो गया इथाइल ग्वानिन में बाय एडिशन ऑफ डीईएस, ये इथाइल ग्वानिन अनस्टेबल है। तो जब ये अनस्टेबल होता है तो ये इथाइल ग्वानिन जो है ये रिमूव हो जाता है, तो ये चेन से बाहर आ जाता है। तो ये इसको हम बोलते हैं डीप प्यूरिनेशन, यानी कि प्यूरिन ग्रुप भी रिमूव हो गया। तो एक जीन के चेन में, एक नाइट्रोजन के सीक्वेंस में, एक पॉली नाइट्रो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस में, जैसे ग्वानिन था उसको हमने ऐड किया डीईएस के साथ या डीएमएस या कोई मस्टर्ड गैस जो एक्चुअली एल्काइलेटिक एजेंट है, उससे क्या हुआ, ग्वानिन कन्वर्ट हो गया इथाइल ग्वानिन में जो अनस्टेबल है। और अनस्टेबल है तो ये चेन से रिमूव हो जाता है, इसे बोलते हैं रिमूव हो जाता है, इसे हम बोलते हैं डीप प्यूरिनेशन, रिमूवल ऑफ प्यूरीन यानी कि ग्वानी। तो वो जगह खाली हो जाती है, तो उस जगह के खाली होने से कोई और नाइट्रोजन बेस वहां पे ऐड हो जाती है। सपोज अगर वहां पे प्यूरीन आ गया तो दिस इज अ ट्रांजिशन, बिकॉज ग्वानिन इज अ प्यूरीन, ग्वानिन की जगह एक और प्यूरीन आ गया सपोज एडिनिन, तो प्यूरीन इज रिप्लेस बाय प्यूरीन या पायरिमिडीन। तो इसे हम बोलते हैं ये हो गया ट्रांजिशन टाइप। अब अगर ग्वानिन की जगह वहां पे साइटोसिन आ गया तो हम ये कैसे, वो है ट्रांसवर्जन, क्योंकि प्यूरीन इज रिप्लेस बाय पायरिमिडीन, दिस इज ट्रांसवर्जन। तो एल्काइलेटिक एजेंट की वजह से या तो ट्रांजिशन होगा या फिर ट्रांसवर्जन हो सकता है। फिर डाबा का बी आएगा, डाबा बी आ जाएगा, बी फॉर बेस एनालॉग्स। बेस एनालॉग्स क्या होते हैं, ये ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो मिलते जुलते हैं किन केस, नाइट्रोजनस बेस से, यानी कि जैसे एडिनिन है, ग्वानिन है, साइटोसिन है, थाइमिन है, यूरैसिल, ये उनसे मिलते जुलते हैं, दे आर फोटोकॉपी, हम ये कह सकते हैं उन्हीं से मिलते जुलते हैं। और उसकी वजह से अगर वो कभी डीएनए की सीक्वेंस में आ गए तो वो फॉल्टी पेयरिंग करेंगे, वो रॉन्ग पेयरिंग करेंगे। तो जैसे फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल है फायोब्रोमो यूरैसिल, ठीक है, या फायो फ्लोरो यूरैसिल, तीन एग्जांपल, फायो ब्रोमो यूरैसिल, फायो फ्लोरो यूरैसिल, फायो आयोडो यूरैसिल। ये तीनों जो है, ये तीनों जो बेस एनालॉग्स है, ये किससे मिलते जुलते, थाइमीन से मिलते, यानी दे रिजेंबल विद द थाइमीन। कौन, फायोब्रोमो यूरैसिल मिलता है किसके साथ, थाइमीन के साथ। फायो फ्लोरो यूरैसिल किससे मिलता है, थाइमीन से। फायो आयोडो यूरैसिल किससे मिलता है, थाइमीन से। तो ये किसके साथ पेयर करेंगे, क्योंकि थाइमीन किसके साथ पेयर करता है, एडिनिन के साथ। तो या तो ये एडिनिन के साथ पेयर करेंगे, सो अगर उन्होंने एडिनिन के साथ पेयर किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये पेयरिंग करता है ग्वानिन के साथ भी। सो अगर उन्होंने ग्वानिन के साथ, क्योंकि यहां पर इनको धोखा लग जाता है, अगर उन्होंने ग्वानिन के साथ पेयर किया, म्यूटेशन। सो जहां तक फायोब्रोमो यूरैसिल, फायो फ्लोरो यूरैसिल, फायो आयोडो यूरैसिल एडिनिन के साथ बॉन्ड करेगा तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि एडिनिन हमेशा पेयर करता है थाइमिन के साथ। लेकिन अगर उन्होंने ग्वानिन के साथ पेयरिंग की, अगर उसने किसके साथ पेयरिंग की, ग्वानिन के साथ, व्हाट विल हैपन, ये म्यूटेशन है।
इसी का एक और एग्जांपल, टू एमाइनो प्यूरीन। टू एमाइनो प्यूरीन जो है ये रिजेंबल करता है किससे, एडिनिन से, यानी कि ये बेस एनालॉग है किस चीज का, एडिनिन का। एडिनिन किसके साथ पेयर करता है, साइटोसिन या फिर थायमिन के साथ। अगर उसने थायमिन के साथ पेयर किया तो नो इश्यू, लेकिन अगर साइटोसिन के साथ पेयर किया ये ट्रांजिशन है, इट मींस द म्यूटेशन। तो यहां पे म्यूटेशन होगी, ट्रांजिशन टाइप ऑफ म्यूटेशन। फिर डाबा का लास्ट आता है ए, ए स्टैंड्स फॉर एक्रिडीन और प्रोफ्लेविनडाइज। देखिए एक्रिडीन और प्रोफ्लेविनडाइज है क्या, जैसे मेरे पास एक डीएनए की एक सेगमेंट है, ये एडिनिन है पेयर करता है थायमिन के साथ दो हाइड्रोजन बॉन्ड्स, साइटोसिन है पेयर करता है गुआनिन से तीन हाइड्रोजन बॉन्ड्स। जब हम ये एक्रिडीन या प्रोफ्लेविनडाइज लाते हैं तो ये दो न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में अपनी टांग अड़ाते हैं, यानी कि ये खुद ऐड होते कहां पे, बिटवीन द टू न्यूक्लियोटाइड्स। तो जब ये दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में आ जाएंगे इससे क्या होगा, इससे फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन होगी। यानी कि यहां पे जैसे ए सी है, ए और सी है, और यहां कोई और न्यूक्लियोटाइड होता, लेकिन जब बीच में एक न्यूक्लियोटाइड आ गया इससे जो सीक्वेंस है न्यूक्लियोटाइड्स की वो चेंज होगी। तो ये वही हुई ना जैसे मैंने कहा था इंसर्शन या डिलीशन। तो जो एक्रिडीन या प्रोफ्लेविन डाई है, या तो ये खुद किसी सीक्वेंस में ऐड होंगे या किसी न्यूक्लियोटाइड को रिमूव करेंगे, तो ये इंसर्शन या डिलीशन करेंगे। तो इसके वजह से क्या होता है, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन है। इसके आगे जब हम एग्जांपल पढ़ेंगे, थैलेसीमिया एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जो इसकी वजह से होता है, वो आगे चलकर हम पढ़ाएंगे। थैलेसीमिया में देखा गया है कि एक्रिडीन या प्रोफ्लेविन डाइज अगर कभी बॉडी में चले गए थैलेसीमिया हो जाता है। सो बाय दिस वी हैव कंप्लीटेड म्यूटेजन्स। तो बाय तो आज जो है इससे हमारा सारा जो म्यूटेशन का टॉपिक है, जो हमारा क्वेश्चन था म्यूटेशन, वो कंप्लीट हुआ। हमने म्यूटेशन में क्या पढ़ा, हमने डेफिनेशन पढ़ी म्यूटेशन की, और मेरे बच्चों हमने म्यूटेशन में टाइप्स पढ़े, पहले क्रोमोसोमल म्यूटेशन, क्रोमोसोमल म्यूटेशन में हमने पढ़ा क्रोमोसोमल एब्रेशन एंड जीनोमैटिक म्यूटेशन, उसके बाद क्रोमोसोमल म्यूटेशन में हमने पढ़ा डिलीशन, क्रोमोसोमल एब्रेशन में हमने पढ़ा डिलीशन या डेफिशिएंसी, डुप्लीकेशन, इंसर्शन एंड ट्रांसलोकेशन, और जीनोमैटिक म्यूटेशन हमने पढ़ा एन्यूप्लाइडी एंड यूप्लाइडी। एन्यूप्लाइडी में हमने पढ़ा है फॉर एग्जांपल हमने वहां पे पढ़ा ट्राइसोमी, टेट्रासोमी, नलिसोमी एटसेट्रा, मोनोसोमी। और उसके बाद यूप्लाइड में हमने पढ़ा पॉलीप्लाइडी, और पॉलीप्लाइड में ऑटो पॉलीप्लाइडी एंड एलो पॉलीप्लाइडी। वहां पे हमने दो एक्सपेरिमेंट्स पढ़े कैसे होती है ये इंड्यूस पॉलीप्लाइड एटसेट्रा, वो सब हमने पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा आज जीन म्यूटेशन। जीन म्यूटेशन हमने पढ़ा पहले सबस्टिट्यूशन, और दूसरा हमने पढ़ा फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। उसके बाद हमने एक ट्रिक याद रखी किस तरीके से हम म्यूटेशन याद रखेंगे। उसके बाद हमने पढ़ा उसमें फ्लो चार्ट, और उसमें हमने देखा फ्लो चार्ट में कि कौन से म्यूटेशन से कौन से डिसऑर्डर होते हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर्स। और उसके बाद लास्ट में हमने पढ़ा म्यूटेजन्स, यानी कि वो केमिकल्स जिनकी वजह से म्यूटेशन होते हैं। इज इट क्लियर? बाय दिस वी हैव कंप्लीटेड द होल टॉपिक म्यूटेशन। सो मेरे डियर स्टूडेंट्स, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा उसमें हम पढ़ेंगे जेनेटिक डिसऑर्डर्स, लेकिन उससे पहले ये म्यूटेशन आपको क्लियर होना चाहिए, टिप ऑन द टंग होना चाहिए, क्योंकि अदरवाइज वो जेनेटिक डिसऑर्डर शायद समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि हमें हर एक जेनेटिक डिसऑर्डर में ये अंडरस्टैंड करना है कि कौन सा जेनेटिक डिसऑर्डर किस म्यूटेशन की वजह से होता है। सो प्लीज एंड प्लीज, इट्स माई हम्बल सबमिशन, इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू माई ब्लाउड स्टूडेंट्स। देखिए आपको पता ही है इस वक्त पूरा वर्ल्ड जो है, पूरी दुनिया जो है किस दौर से गुजर रही है, तो यहां पे वैसी एजुकेशन तो पॉसिबल नहीं है जैसे क्लास में होती थी, जहां पे स्टेप बाय स्टेप वन बाय वन मतलब हम एक्सप्लेन करते बोर्ड पे, ये बड़ी मुश्किल से इस तरह ऑन द शीट्स, यहां पे मुझे डबल मेहनत करनी पड़ती है, पहले शीट्स पे लिखना पड़ता है फिर आपको एक्सप्लेन करना है। मे बी आप कहते होंगे सर बोर्ड लाइए, बोर्ड पे पढ़ाइए, तो इसमें इश्यूज है। पहले कैमरा जब मोबाइल को हम बोर्ड पे फिक्स करेंगे, पहले बंदा तो कोई होना चाहिए जो पहले शूटिंग करेगा, रिकॉर्ड करेगा, उसके बाद बोर्ड भी ढूंढना है, देयर आर सो मेनी इश्यूज। तो मे बी इन फ्यूचर मैं देख रहा हूँ, मैंने दो तीन जगह पे गया था बोर्ड ढूंढने के लिए, अनफॉर्चुनेट बोर्ड नहीं मिला। तो प्लीज़ एंड प्लीज़ आप इससे काम चलाइए, कहीं पे भी कुछ इश्यू हो प्लीज़ एंड प्लीज़ डू कॉल मी। कोई पॉइंट समझ नहीं आ जाएगा, बार बार इस वीडियो को देखिए, बार बार इसको अंडरस्टैंड कीजिए। मैं नोट्स का जो है पिक्स वो भी आपको व्हाट्सएप पर डालता हूँ, जहाँ पर जो इश्यूज़ होंगे प्लीज़ कॉल मी। आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत है, मुझे कॉल कीजिए। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिखिए, मेहरबानी करके मुझे बोलिए कहाँ पर क्या इश्यूज़ है जो मैं क्लियर कर सकता हूँ। By this, जब तक next class होगी, very happy learning and have a good day. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.